गुड इवनिंग एविबी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है हम बातचीत करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसका नाम है बैंकिंग सिस्टम इसे बैंकिंग व्यवस्था के रूप में हम कई अलग अलग एग्जामों में भी तैयार करते हैं विशेष करके जो बैंकों की एग्जाम होती है वहां पर भी इस सिलेबस का अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है आज की कक्षा का मेन मकसद मेरा रिवीजन कराना है मैं आपको रिवीजन के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम के लगभग सभी पहलुओं को कवर कराना चाहता हूं आज दिन भर की बहुत ज्यादा थकावट मेरी रही है उसके पीछे का कारण है शिफ्टिंग क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अब मेरा जो नया बंगलो कहिए तो रेडी हो चुका है तो उसी पर शिफ्टिंग चल रही है और आज दिन भर में उसी में व्यस्त था और बहुत एंडिंग पर लिया, लिया गया कि नहीं थके हुए क्यों ना हो आज क्लास लेनी पड़ेगी क्योंकि पिछले तीन दिनों से लाल लाली कहेंगे कि मास्टर हमें चला रहा है ऐसी भावनाएं उत्पन्न ना हो इसलिए मैंने कहा कि आज जो भी होगा देखा जाएगा हो सकता है मैं कल ब्रेक ले लूंगा पूरा पर आज मैं चाहूंगा कि बैंकिंग व्यवस्था के या बैंकिंग से जुड़े हुए सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आपके कवर हो जाए तो आइए शुभारंभ करते हैं आज की कक्षा का क्योंकि आज की कक्षा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको सीधे इसके सवाल यूपीएससी में या पीसीएस में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें बैंकिंग की बात आती है आप आसानी से कवर कर सकते हैं सभी का स्वागत है बने रहिएगा दो ढाई घंटे यकीन मानिए आपको खूब मजा आने वाला है बैंकिंग सिस्टम की इस कंप्लीट कक्षा में एग्जाम रस हमारा एक्सक्लूसिव चैनल है जिस पर केवल हमारी कक्षाएं आपको मिलती हैं अनएकेडमी को सब्सक्राइब करते समय आपके पास दो प्लान है आप प्लस का प्लान भी ले सकते हैं कॉम्बो प्लान भी ले सकते हैं आइकॉनिक प्लान भी ले सकते हैं कॉम्बो का मतलब होता है ऑप्शनल और जीएस दोनों के लाइव रिफर कोड इंस्टेंट टेन परसेंट डिस्काउंट दिलाएगा स्कॉलरशिप टेस्ट अट्ठाईस मार्च को है किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन में आप यूज कर सकते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए द लास्ट माइल प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है कई स्पेशलिस्ट हम कहेंगे कि इंटरव्यू पैनल है कई रिटायर्ड ऑफिसर्स रहेंगे कई प्रकार के हम कहेंगे कि सोशल और साइकोलॉजिकल जानकार रहेंगे टेस्ट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो स्पेशल ऑफर इस समय आपके पास दिख रहा है स्क्रीन पर यह केवल 31 मार्च तक है केवल पांच दिन बचे हैं आपके पास यदि आप 31 मार्च तक कोई भी सब्सक्रिप्शन वन ईयर वाला लेते हैं तो आपको उसमें 31 जुलाई तक का आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा एक बेहतरीन चांस है इसको स्किप मत होने दीजिए और जैसे कि हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है इकोलॉजी इन्वायरमेंट की तीन कक्षाएं हो चुकी हैं कल चौथी क्लास है इसे आप शुरू कर सकते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन यदि आप हमसे चाहते हैं एमके लाइव रिफर कोड क्यू क्योंकि भारत में ऐसे एजुकेटर हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस और यूनिट के अकॉर्डिंग तैयारी कराते हैं पैंसठ से ज्यादा प्रश्न प्रीलिम्स में कटपेस्ट हुए हैं नब्बे परसेंट से ज्यादा क्वेश्चन मेंस में कटपेस्ट हुए हैं अनकेडमी प्लेटफॉर्म पर फिफ्थ रैंक है और यूपीएससी के पैटर्न और अप्रोच पर पूरा फोकस होता है एमके लाइव रिफर कोड आप कभी भी यूज कर सकते हैं आइए शुरुआत कर रहे हैं हम कंप्लीट बैंकिंग क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें हम इसमें कवर करेंगे पहले तो बैंकों का इतिहास फिर हम इसमें कवर करेंगे आरबीआई फिर हम इसमें कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर जानेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कंसेप्चुअली क्या होता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे सिलेबस का टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट की बातें उन सभी पर हम बातचीत करेंगे आप केवल दो ढाई घंटे स्क्रीन से हटिएगा नहीं मैं आपको दावा कर रहा हूं कि इकोनॉमिक्स ना केवल आपको सिंपल लगेगा बल्कि एक घटिया सब्जेक्ट लगेगा आपको इतना उसके अंदर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आखिर बैंक है क्या आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल गरीबी के लेवल से सर ये बैंक क्या है यही समझा दीजिए तो बैंकिंग का डेवलपमेंट कब हुआ वो बात का मुद्दा है लेकिन बैंक होती क्या है तो बैंक एक मध्यस्थ है एक मिडिल मैन है ठीक है सर मध्यस्थ है ये किनका मध्यस्थ है उन लोगों का मध्यस्थ है जिनके पास मुद्रा की अधिकता है मुद्रा की अधिकता है सरप्लस है और जिनके पास मुद्रा की मुद्रा मतलब नोट समझ लेना अब मुद्रा की कमी है मुद्रा की कमी है जिन्हें आवश्यकता है उनके बीच का मिडिल मैन है बस इसको एक संस्था बना दिया तो वह मध्यस्थ संस्थागत हो गया मध्यस्थ एक संस्थागत हो गया वैसे मैं आपको बताऊं ना गंदे शब्दों में कहूं तो ये भी एक तरीके के दलाल लोग हैं दलाल लोग हैं सर कैसे दलाल कैसे कह रहे हैं भाई ये भी तो कमीशन पर जिंदा हैं लेने वाले से कम पर लेते हैं देने वाले को महंगा देते बीच का कमीशन अपनी जिंदगी गुजर बसर का काम करते हैं मिडिल है ये बिचोलिए हैं है ये मध्यस्थ हैं पर उन लोगों के बीच के मध्यस्थ हैं जिनके पास अधिक और आवश्यकता की बात आती है पुराने जमाने में महाजन लोग या फिर कई अमीर लोग कुछ ऐसा काम करते थे लेकिन वो फिर भी मध्यस्थ नहीं थे क्योंकि वो अपना ही पैसा सर्कुलेट करते थे ये अपना पैसा सर्कुलेट नहीं करते हैं किसी का पैसा सर्कुलेशन के लिए जमा करते हैं और वही पैसा वह सर्कुलेशन के रूप में चलाते हैं चाहे रिस्क रहेगा आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि किसी को उधार दिया पैसा कितनी गारंटी है कि वापिस आएगा कह नहीं सकते तो अगर संस्था हो गई है तब भी रिस्क तो रहेगा अर्थशास्त्रियों ने लगाए हैं इस पूरे रिस्क को मजबूत करने के लिए पैसे के फ्लो को बनाए रखने के लिए जमा करने वालों को आकर्षित करने के लिए उधार लेने वालों को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की सुनहरी योजनाएं इनकी रहती हैं, कई प्रकार के बेहतरीन प्रोग्राम इनके रहते हैं बस बैंकिंग एक ऐसी संस्था है जो इसी काम के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित की गई है आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था कहीं ना कहीं यूरोपियन व्यवस्था ही है हमारे देश में भी प्राचीन भारत में इसके कई प्रमाण मिलते हैं लेकिन वो आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था जैसा नहीं है बल्कि वो अपने आप में एक अलग फाइनेंशियल सिस्टम था आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था हमने कहीं ना कहीं यूरोप से लाई है और हमारे यहां यूरोप से यही यूरोप के व्यापारी लेकर आए थे इनको जरूरत इनको आदत पड़ गई थी ऐसे सिस्टम की तो भारत में जब इन्होंने कई प्रकार के अधिकार प्राप्त कर लिए तो फाइनेंशियल सुविधा के लिए इन्होंने भारत में बैंकों का निर्माण करना प्रारंभ किया क्योंकि वह इस प्रकार के सिस्टम से बहुत पहले से अवगत हो गए थे तो बैंक कुछ नहीं है एक मध्यस्थ है जो कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है इन दो कार्यों के बीच में जहां पैसों की अधिकता और कमी हो उनको संतुलित करने का भाई जिसके पास मनी की अधिकता है मैं एक बार कैमरा सेट कर दे रहा हूं देखो लाल लालयू जिनके पास पैसे का सरप्लस है एक तो उसको संकट है सर रिस्क कैसा है भाई पैसे का ज्यादा होना भी रिस्क होता है इसलिए जो लोग ज्यादा पैसे वाले होते हैं उन्हें सोने की मतलब सोने के लिए गोलियां लेनी पड़ती जिनके पास सोना ज्यादा आ गया उनका सोना गायब हो जाता है क्या मेरे पॉइंट को समझ पाए हैं क्योंकि हमेशा ही डर बना रहता है तो रिस्क रहता है और उनको एक टेंशन रहता है कि देंगे भी पैसा तो लौटेगा कि नहीं किस रेट पर वो पैसा इंटरेस्ट पर मिलेगा और उसे व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको पैसे की जरूरत हो जिसके पास पैसों की कमी है उसे भी रेट की टेंशन होती है उसे तत्काल जिस समय जरूरत है उस समय पैसा मिलना चाहिए ताकि निवेश किया जा सके इन सभी चीजों का समाधान हम इस संस्था में ढूंढते हैं हमने कह दिया कि भाई एक दुकान लगा दो जिसके पास ज्यादा होगा वो तुम्हारे पास आकर बता देगा कि मेरे पास ज्यादा है किसी को लगे तो बता देना धीमे धीमे उस दुकान वाले ने कहा कि मुझे दे दो धीमे धीमे उस दुकान वाले ने कहा मैं तुम्हें एक निश्चित रेट दे दूंगा बाकी मैं अपना रिस्क संभालूंगा तो इसी संस्थागत रूप को हमने बैंक नाम देना शुरू कर दिया तो बैंक कुछ नहीं है मनी सरप्लस और मनी डेफिशिएट के बीच का एक ऐसा संस्थागत यूनिट है जो इन सभी समस्याओं का समाधान लाता है मतलब कहीं ना कहीं वो पैसे जमा करना आसानी से किसी को लोन देना कई प्रकार के ऋण की आधार पर अपने सिस्टम को चलाता है जमा करने वाले को कम इंटरेस्ट देगा और लेने वालों से ज्यादा इंटरेस्ट लेगा वही पर जो स्प्रीड रेट होगा रेट शब्द क्या है सर? कितना सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट गया सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट कितना है और जो भी उधार दिया गया था उसका इंटरेस्ट कितना है इसी को स्प्रिड रेट कहते हैं और इसी के आधार पर वो गरीब आदमी अपनी कमाई को तय करता है आइए देखते हैं प्राचीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था का क्या सिस्टम था और किस तरीके का बैंकिंग सिस्टम हमारे प्राचीन भारत में हमें मिलता है आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम हमारे इंडिया था अगर हम इसे समझने की कोशिश करें इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग प्राचीन भारत में वैदिक काल वैदिक काल वैदिक काल में बैंकिंग व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं मतलब हमारे देश में भी कहीं ना कहीं बैंकिंग व्यवस्था जैसी कुछ बातें मिलती है आधुनिक वाली नहीं वैदिक काल में नपत्रा न लेखा नपत्रा नलेखा जैसे नामों का उल्लेख है जो ऋण देने का कार्य करते थे तो ऋण देने वालों को ऋण देने वालों को क्या नाम से जाना जाता था न पत्रा न लेखा प्राचीन काल में ब्याज को शुद्धखोरी आज भी शुद्धखोरी कहते हैं शुद्धखोरी कहते हैं मनुस्मृति में ब्याज की दरों का वर्णन मिलता है जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि के लिए अलग अलग होती थी क्योंकि मनुस्मृति में जो भी समाज है उसे चार वर्गों में बांटा गया था वेदों में कुशीदिन नाम के पद का उल्लेख मिलता है जो उस दौर में पैसों का प्रबंधन करता था कुसीदीन एक ऐसा व्यक्ति जो उस दौर में पैसों के आने पैसों के नियंत्रण पैसों के प्रभाव पैसों के कार्य इन सबको रेगुलेट करने का काम करना करता था जैसे वर्तमान में आरबीआई काम कर रही है मौर्य काल तक आते आते राज्य सत्ता बैंकिंग का काम करने लगी मतलब जब मौर्य काल आया तो जो राजा होता था फिर वही बैंकिंग सिस्टम जैसा भी वर्क करने लगे इस काल में उल्लेख मिलता है कि राज्य आदेश पत्र के माध्यम से व्यापारियों को पैसा चुकाने का वादा पत्र दिया करता था बाद में यह प्रथा व्यापारियों ने भी अपना ली तो मौर्य काल में जब हम आए तो हमें पता चलता है कि बैंकिंग व्यवस्था एक तरीके से अब राजाओं के अधीन आ गई मतलब एक तरीके से राजा ही बैंकिंग व्यवस्था का काम करने लगा अब कहानी का शुभारंभ होता है मुगल व्यवस्था में मुगल काल की बैंकिंग व्यवस्था में यदि हम बात करें तो प्राचीन काल में वैदिक काल को आप याद रखेंगे और साथ ही साथ यदि आप प्राचीन काल में कुछ और याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं कि मौर्य काल में अब राजा के अंडर में बैंकिंग सिस्टम जैसी कुछ प्रमाण मिलते हैं मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में दो प्रकार के दस्तावेज का उल्लेख मिलता है जो कि शाही खजाने से जारी किए जाते थे दस्तावेज इंदू तालाब यह वर्तमान के डीडी की तरह कार्य करता है जिसमें डिमांड ड्राफ्ट मांग पर धन मिलता था डिमांड ड्राफ्ट डिमांड लेकर जाइए उतना पैसा मिलेगा और दस्तावेज ए मियादी इसके अंतर्गत एक निर्धारित समय के बाद धन दिया जाता है या वर्तमान के फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करता था तो दस्तावेज इंदू तलाब मतलब डीडी और दस्तावेज मियादी मतलब एफडी। सर ये एफडी क्या होता है जब पैसे को एक निश्चित समय के लिए रख दिया जाता है और एक निश्चित अवधि के बाद वो वापस मांगा जाता है तो उसे कहते फिक्स डिपॉजिट अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत में बैंकिंग व्यवस्था खास करके आजादी से पहले जब आजादी के पहले की हम बात करते हैं तो हमें याद रखना होगा कि यूरोपियन लोग भारत में व्यापार करने आए जब ये भारत में व्यापार करने आए तो अपना धन यूरोप से लेकर आते थे लेकिन यहां पर भी उन्हें कहीं ना कहीं डर रहता था तो इन यूरोपियन लोगों ने सोचा कि पूरा यूरोप खास करके इंग्लैंड फ्रांस पुर्तगाली डच सब तो भारत में व्यापार करने आ रहे और पूरे यूरोप के लोगों को कहीं ना कहीं बैंकिंग व्यवस्था सभी को पता है तो क्यों ना एक बैंक खोल दिया जाए जहां पर यूरोपीय लोग अकाउंट खोले और उनकी हम मदद कर सके तो पहला 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से बैंक खोला गया यह कलकत्ता में हम कहेंगे कि लंबे समय तक नहीं चला लेकिन भारत की जमीन पर आधुनिक बैंक की नींव अगर किसी बैंक ने डाली तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की न्यू यूरोपियन कंपनियों के आगमन के बाद भी भारत में सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है जिसकी स्थापना 1770 में कलकत्ता में हुई और यह बैंक 1830 में बंद हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1806 में आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया है ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे जैसे राजस्व को संग्रहित करती चली गई एक समय के बाद उनके पास सरप्लस आने लगा इसी सरप्लस का फायदा उठाकर इन्होंने बैंकों की स्थापना की ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीन बैंक बनाए पहला बैंक ऑफ बंगाल बंगाल मतलब कलकत्ता बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास इसे याद रखने का तरीका लाल लाल सबसे पहले कलकत्ता फिर बॉम्बे और फिर मद्रास तो बैंक ऑफ बैंक ऑफ बंगाल 1806 में पहले से बैंक ऑफ कलकत्ता नाम दिया गया था फिर बैंक ऑफ बंगाल फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास तीन बैंकों की स्थापना की तो सर इन बैंकों का क्या हुआ इन बैंकों का कुछ नहीं ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कुछ और बैंक भी थे जिन्हें उन्नीस में एक कर दिया गया इन तीनों बैंकों को 1921 में जोड़ दिया गया और इन तीनों बैंकों का नाम 1921 में कर दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सर फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ आजादी के बाद इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया सर कब्जे में का मतलब राष्ट्रीयकरण कर लिया उसके जितने भी शेयर होल्डर थे सबको उनका पैसा देकर निकाल दिया और कहा कि अब इस बैंक का मालिक मैं बन गया इसी बैंक को हम आज कहते हैं एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या एस -E की कहानी मेरे लाल लालियों क्लियर हो रही है क्या एस -E की कहानी क्लियर हो चुकी है एसबीआई -E की अगर हम बातचीत करें एस -E के लिए अगर हम चर्चाएं करें तो एस का शुभारंभ आपको अठारह से याद रखना है 1806 में जहां बैंक ऑफ बंगाल बना 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना इन तीनों का ज्वाइंट एडवेंचर बना 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस बी आई एस बी आई अब कहानी आगे बढ़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की 1921 में इन्हीं से बैंक ऑफ इंपीरियर बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ 1955 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण किया राष्ट्रीयकरण कर लिया और इसका नाम हो गया एस बी आई फिर इसी दौरान ऐसा नहीं है कि केवल इतनी ही बैंक थे वैसे बैंक तो बहुत बन रहे थे इसी दौरान कुछ ऐसे बैंक हमें याद रखने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अठारह में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई जो आज भी आपको इलाहाबाद बैंक के रूप में मिलता है पर अठारह का अवध कमर्शियल बैंक हमें याद रखना चाहिए अठारह के अवध कमर्शियल बैंक में ऐसी क्या खूबी थी अभी तक जितने बैंक बने थे सबको चलाने वाले डायरेक्टर सबका मैनेजमेंट करने वाले मैनेजर सबके प्रबंधन के लोग यूरोपियन हुआ करते थे अंग्रेज हुआ करते थे पर अठारह में अवध कमर्शियल बैंक बना जिसमें कुछ हद तक भारतीयों के द्वारा मैनेजमेंट प्रबंधन का काम शुरू हुआ यह भारतीयों के द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला पहला बैंक है पर पूरे भारतीय नहीं थे कुछ भारतीय कुछ यूरोपीय सर फिर पूरा भारतीयों के द्वारा प्रबंधित होने वाला कोई बैंक वो भी देख लेते हैं यह पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक नहीं था अठारह में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई यह पूर्णतः भारतीयों द्वारा प्रबंधित होने वाला पहला बैंक था इसका कंप्लीट डायरेक्टर बोर्ड डायरेक्टर बोर्ड क्या होता है सर ये लोगों की समूह होता है जो पूरे बैंकों को चल उस पूरे बैंक को चलाने का काम करते हैं तो ये कंप्लीट इंडियन के द्वारा मैनेज होने वाला कंप्लीट भारतीयों के द्वारा प्रबंधित होने वाला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक जो अठारह में बना पर इसका मालिक भारतीय नहीं था क्योंकि इसकी शेयर होल्डिंग में कुछ भारतीय हो सकते हैं पर पूरा भारतीयों के अंडर में नहीं था तो ऐसा कोई भारतीय बैंक सर जिसका मैनेजमेंट भी भारतीय करे और मालिक भी भारतीय हो 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आज भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको मिलेगी यह पहला बैंक था जिसका स्वामित्व भारतीयों के पास था और इस बैंक का प्रबंधन भी भारतीय करते थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पोच खानवाला के द्वारा की गई और इसके पहले चेयरमैन बने फिरोज शाह मेहता तो पोच खान वाला इसके बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे और इसका प्रबंधन या इसके चेयरमैन पहले जो बात जाने जाते हैं वो है फिरोज शाह मेहता 1770 तेजी से बोल बताते चलिएगा कमेंट्स करते चलिएगा 1770 1806 1840 अठारह सो 1881, 1895, 1911 और 1921, 1921 पर 1930 में अगर मैं आपसे कहूं कि 1926 में एक कमीशन आया था यंग हिल्टन कमीशन इस कमीशन ने कई प्रकार की सिफारिशें दी थी जिसमें एक सिफारिश थी केंद्रीय बैंक की स्थापना केंद्रीय बैंक क्या होता है क्योंकि उस दौर में कई सारे बैंक दिवालिया हुए थे उस दौर में कई प्रकार की धोखे धोखाधड़ी सामने आई थी कि बैंक के नाम पर किसी ने बैंक खोली लोगों ने विश्वास करके पैसा रखा बैंक वाला गायब तो इस तरीके के धोखाधड़ी को कंट्रोल करने के लिए एक बैंकों का बैंक चाहिए जो पूरे बैंकों को रेगुलेट कर सके तो यंग हिल्टन कमीशन 1926 में बना था उनकी सिफारिश थी वैसे यह सिफारिश मैं आपको बता दूं कि ने पहले ही दी थी यंग हिल्टन कमीशन ने भी वह सिफारिश स्वीकार की थी जो भीमराव अंबेडकर जी ने पेश की थी उन्नीस और उन्नीस में जो मंदी आई उसके बाद जो झटका लगा पूरे बाजार को मंदी का मतलब क्या होता है पैसों की अचानक कमी हो जाना कमी कहा मतलब पैसा तो है लेकिन कोई खर्च करने को तैयारी नहीं है उसके बाद इस तरीके के बैंक की कल्पना को सब लोग मानने लगे कि भाई होना चाहिए भारत में तो होना चाहिए उन्नीस में कानून पारित किया गया जिसे कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कानून भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और 1 अप्रैल 1935 से भारत का केंद्रीय बैंक काम करने लगा ये जो आरबीआई यहां भारत में बनी यह पहले पूरी तरह से प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में थी हा, लेकिन वो सभी बैंकों की देखरेख तब भी करती थी 1935 में इसका मुख्यालय पहले कलकत्ता में था बाद में इसे मुंबई लाया गया उस दौर का बॉम्बे वर्तमान का मुंबई 1937 में भारत की आजादी के बाद एग्जेक्टली एक, एक जनवरी उन्नीस को एक जनवरी उन्नीस को इसके जितने प्राइवेट प्लेयर थे जितने शेयर होल्डर थे सबको पैसा दे दिया गया और सरकार ने कहा कि अब यह हमारे देश का केंद्रीय बैंक होगा जो पूरी तरह से सरकारी गवर्नमेंट बैंक हो जाएगा और 1949 फोर्टी एक जनवरी को इसका नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण किया गया आजादी के बाद यदि पहला कोई बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो वह आरबीआई था और होना भी चाहिए क्योंकि जो बैंकों का बैंक है पहले वह सरकार का हो तब तो बाकी के बैंकों को हम कंट्रोल कर पाएंगे और इस तरीके से भारत में आरबीआई की स्थापना हुई 1930 में भारत में बैंकों की संख्या काफी अधिक हो गई थी अतः ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए इन बैंकों का रेगुलेशन करना अनिवार्य रेगुलेशन का मतलब थर्ड एम्पायर वो बताते चलेगा कि तुम गलत कर रहे हो तुम सही कर रहे हो क्योंकि कोई भी बैंक वाला अपनी जेब से पैसे लाकर उधार नहीं दे रहा है ये बदमाश नागरिकों के ही पैसे जमा करके बांट रहे हैं तो भैया ऐसा ना हो कि तुम इस नागरिक के पैसों का रिस्क समझ ही नहीं पा रहे हो और अपनी मर्जी से बांटे जा रहे हो इसी को रेगुलेट करने के लिए एक आरबीआई की जरूरत पड़ती है 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना आरंभ कर दिया इस बैंक का स्वामित्व निजी हाथों में था आरबीआई को रेगुलेशन करने में दक्ष नहीं थी एक जनवरी 1949 में इस बैंक को भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया इसकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए मार्च 1949 में एक बैंकिंग अधिनियम भी लाया इस अधिनियम को 2013 में लाया 2012 में था फिर नया 2013 में फाइनली पास हुआ 2013 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया बैंकिंग अधिनियम जिससे आरबीआई की ताकत और बढ़ गई फिर 1969 में भारत के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी न्यूनतम संपत्ति 50 करोड़ रुपए की थी यह क्या था सर 1969 का यह वो दौर था जब गरीबी को हटाने के लिए सरकार को कार्यक्रम चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी और पूंजी सरकार के पास नहीं थी तो सरकार ने जितने भी प्राइवेट प्लेयर के बैंक थे जो बड़े बैंक थे जिनकी पूंजी उस दौर में 50 करोड़ की हुआ करती थी उन बैंकों के मालिकों को कहा कि तुम अपना शेयर ले लो और यहां से निकलो अब ये बैंक हमारा हो गया राष्ट्रीयकरण मतलब क्या है भाई समझना थोड़ा व्यवहारिक बता रहा हूं मान लो आपकी एक दुकान थी कल एक गुंडा आया उसने कहा इस दुकान में कल से दिखना नहीं इस दुकान की कीमत बीस लाख रुपए ये बीस लाख रुपए लो और निकलो तुम्हारी मर्जी पूछी नहीं जा रही है तो आप कहोगे सर मुझे नहीं बेचना नहीं बेचने वाली बात ही नहीं बेचना ही पड़ेगा बस वही काम जब सरकार करे तो उसके लिए हम राष्ट्रीयकरण शब्द उपयोग करते हैं क्योंकि वास्तविक रूप में सरकार अपने लिए खुद नहीं कर रही है वह देश के लिए कर रही है राष्ट्र के लिए कर रही है इसलिए इस शब्द को कहते हैं राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कहने के लिए अच्छा शब्द है नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण कई लोग ये कहते हैं कि जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ प्राइवेट स्कूलों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए ताकि प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है वो मनमाने रूप से ना बढ़ पाए वो कभी बात का मुद्दा हम चर्चा करेंगे तो 1969 में चौदह बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ 1975 में भारत सरकार ने ग्रामीण व्यवस्था में बैंकों को मजबूत करने के लिए क्योंकि गांवों में अभी भी बैंक नहीं थे बहुत ही नहीं के बराबर बैंकों की उपस्थिति थी रीजनल रूरल बैंक आरआरबी की स्थापना गांधी जयंती पर की 1980 में छह और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने फिर किया और जिसकी न्यूनतम संपत्ति उस समय 200 करोड़ जिन बैंकों की थी 200 करोड़ या उससे ज्यादा उनका राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया 12 जुलाई 1982 को एक और बैंक बनाया गया एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली अभी भी कमजोर थी तो 1982 में नाबार्ड नामक एक बैंक बनाया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1993 में जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था वो पंजाब नेशनल बैंक में जुड़ गया तो पहले चौदह बैंक फिर छह बैंक तो वो बीस हो गए थे पर बाद में उन्नीस हो गए क्योंकि एक बैंक जो कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया था पंजाब नेशनल बैंक में जोड़ दिया गया 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ सहयोगी थे जैसे आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत याद आता हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर भी होता था मध्य प्रदेश वाले लाल लालियों को याद होगा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र होता था गुजरात वालों को याद होगा स्टेट बैंक ऑफ ट्रावन होता था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर होता था सब ये खत्म कर दिए गए 2010 में इंदौर को शामिल किया 2017 को सारे पांचों सहयोगी सहयोगी सात होते थे, उसमें से एक सहयोगी 2008 में जोड़ा गया दूसरा 2010 में जोड़ा गया और 2017 में सारे सहयोगियों को जोड़ दिया गया भारतीय महिला बैंक जो कि दो में बना था उसे भी एस में मर्ज कर दिया गया और इसी मर्च के साथ एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक बनकर उभरा विश्व में जिसकी रैंक 48वीं आई 48वीं रैंक पर वह आया ध्यान से सुनना लाल लालियो कहानी फिर रिपीट कर रहा हूं मैं ईयर e को फिर रिपीट कर रहे आजादी के बाद अब आजादी के बाद 1949 फोर्टी नाइन एक जनवरी नाइनटीन फोर्टी नाइन उन्नीस सौ पचपन फिर 1955 के बाद 1969, 1975 आरआरबी, 1980 छह बड़े बैंक 1982 नाबार्ड 1993 पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया 2008 एसबीआई का सहयोगी एसबीआई में मर्ज 2010 दूसरा सहयोगी मर्ज एक अप्रैल 2017 सारे एसबीआई के सहयोगी मर्ज जो कि सात थे बाद में पांच बचे थे वो भी मर्ज भारतीय महिला बैंक जो 2011 में बनाई गई बैंक थी उसे भी एस में मर्ज कर दिया गया लेकिन ये मर्ज अभी रुका नहीं लाल लालियो अभी अभी चल रहा है अभी ये मर्ज लगातार चल रहा है ये जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद स्टेट बैंक ऑफ मैसूर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर सब जोड़ दिए गए 2018 में लाल लालियो विजया बैंक देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा विजया बैंक देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा विजया देना बड़ौदा विजया देना बड़ौदा विजया देना बड़ौदा अब इन तीनों बैंकों को मर्ज करके रख दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा यह भी एक बड़ा बैंक बन गया पर अभी 2020 में चल रहा है कंटिन्यूअसली ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल ओरिएंटल यूनाइटेड ओरिएंटल यूनाइटेड पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी अब कहलाएगा पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी मतलब इनका इसी में मर्ज हो गया इस विलय के बाद पंजाब नेशनल बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक बन गया वर्ष 2020 में सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हो गया अब ये केनरा बैंक कहलाता है आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो भी आंध्रा बैंक था आंध्रा कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जोड़ दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जोड़ दिया गया इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया हाल ही में केंद्र सरकार ने दो बैंकों के निजीकरण की बात कही है या दो बैंक कौन से है अभी क्लियर नहीं है लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजटीय भाषण के दौरान कहा है आईडीबीआई बैंक को शीघ्र ही निजीकरण वैसे मैं आपको बता दू आपको शायद पता ना हो लेकिन आईडीबीआई हमारे देश का पब्लिक सेक्टर का बैंक रहा ही नहीं है अब इसे हमारे आरबीआई की वेबसाइट पर प्राइवेट बैंक ही नाम दिया गया है आप अगर कभी आरबीआई की वेबसाइट पर जाएंगे तो प्राइवेट बैंक की सूची में बाईसवें नंबर पर आखिरी बैंक यही है अब हमारे देश में केवल 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक रहे हैं 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक है और 22 प्राइवेट सेक्टर के बैंक है लाल लालियो प्राइवेट सेक्टर के बैंक 22 हैं। मैं एक बार पूरी कहानी रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से एक बार आपके पास पूरी कहानी रिपीट कर दे रहा हूं थोड़े से ये मर्ज याद रखना 2018 में विजया देना बड़ोदा विजया देना बड़ोदा फिर 2020 में ओरिएंटल बैंक यूनाइटेड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक इन तीनों को अब पंजाब नेशनल बैंक कहा जाने लगा पंजाब नेशनल बैंक इस मर्च के बाद एसबीआई के बाद पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक बन गया पर 2020 में फिर सिंडिकेट बैंक को केंद्रा बैंक में जोड़ दिया गया आंध्रा कॉरपोरेशन बैंक, बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जोड़ा गया इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में जोड़ दिया गया अब निजीकरण में आईडीबीआई बी आईडीबीआई अब एक प्राइवेट बैंक ही माना जाता है क्योंकि सरकार की शेयर होल्डिंग 51 परसेंट अब उसमें नहीं रही है देखो लाल लालियो पब्लिक सेक्टर का बैंक किसे कहते कोई कहे सर पब्लिक सेक्टर का बैंक मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक सर ये सार्वजनिक नाम क्यों उपयोग करते हैं क्योंकि जो भी सरकार की संपत्ति होती है हम उसे सार्वजनिक कहते हैं जैसे कहीं पर भी सार्वजनिक कोई भी स्थान तो सार्वजनिक बैंक उसे कहते हैं जहां सरकार का शेयर होल्डिंग सरकार का शेयर होल्डिंग मतलब उस बैंक में मालिकाना हाथ फिफ्टी वन परसेंट न्यूनतम या उससे ज्यादा होगा पर आईडीबीआई आई में अब सरकार का फिफ्टी वन परसेंट रहा ही नहीं है इसलिए आईडीबीआई आई को प्राइवेट बैंक कहा जाता है तो हमारे देश में अब कुल कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं बारह पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं और बाईस प्राइवेट सेक्टर के बैंक बच गए हैं प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर के बैंक बाईस बच गए आइए क्विक रिविजन देख लेते हैं 1881 में अवध कमर्शियल बैंक 1770 1806 सत्तर अठारह बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक ऑफ बंगाल बैंक ऑफ बॉम्बे बैंक ऑफ मद्रास अठारह इलाहाबाद अठारह अवध कमर्शियल भारतीय थोड़े बहुत संख्या में मैनेजमेंट करते थे अठारह पीएनबी कंप्लीट भारतीयों के द्वारा मैनेजमेंट 1911 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारतीयों के द्वारा मैनेजमेंट भी और मालिक भी पोच खान वाला फिरोज शाह मेहता 1921 में हम कहेंगे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात आई 1935 में 1 अप्रैल से आरबीआई ने काम करना शुरू किया सिंडिकेट बैंक को अब केंद्रा बैंक में जोड़ दिया गया है आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक को अब यूनियन बैंक में जोड़ दिया गया है इलाहाबाद बैंक को अब इंडियन बैंक में जोड़ दिया गया है तो यह होता है बैंकों का इतिहास बैंकों का इतिहास देखू मैं जरा कितने लोग मालम राठौर बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है मैंने कोई संस्थान नहीं छोड़ा मेरे लाल मैं आज भी पढ़ाता हूं वहां पर ऑफलाइन कक्षाएं मेरी वहां पर आज भी होती हैं तो ऐसा तुम्हें भ्रम है मैं ऑनलाइन यहां पर ले रहा हूं बट ऑफलाइन कई जगह लेता हूं आज भी क्लासेस ठीक है तो जरा इस पर गौर करिएगा मेरा लाल कह रहा है नजर छे बटे पांच छह बटे पांच नहीं होगी आ, वैसे कोई इश्यू नहीं आएगा छह बटे पांच वाले को भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आ, एक मेरा लाल कह रहा है कि सर बैंक को डूबना गौरव श्रीवास्तव कह रहा है कि बैंक के डूबने की स्थिति में उपभोक्ता का पैसा मिलता है क्या मैं आपको बता दू इसे ध्यान से सुन लेना कोई भी बैंक अगर डूबेगा तो भारत सरकार एक लाख रुपए की जिम्मेदारी लेती है मान लो बैंक डूबा आपका बीस लाख था तो ज्यादा ज्यादा एक लाख रुपए की जिम्मेदारी लेगी थोड़ा केस लड़ोगे फिर उसका बैंक का पूरा सामान बेचा जाएगा आपके पैसे निकाले जाएंगे कुछ दो तीन लाख और मिल जाएंगे तो बैंक के डूबने पर कभी भी सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है ये बात अपने दिमाग में भर दीजिएगा ठीक है अब जरा आगे बढ़ते इतिहास पूरी तरह से क्लियर है इतिहास पूरी तरह से क्लियर है वैदिक काल मौर्य काल वैदिक काल काल मुगल काल आधुनिक काल 1770 से कहानी शुरू हुई और 2020 की बहुत सारी घटनाओं के साथ खत्म हुई बहुत सारी घटनाओं के साथ खत्म हुई अब हम आते हैं लाल लालियो बैंकों के वर्गीकरण पर बैंकों के वर्गीकरण पर ठीक है बैंकों का वर्गीकरण देखो हमारी आरबीआई सर ये वर्गीकरण कौन कर रहा है ये आरबीआई करती है आरबीआई कहती है कि भाई बैंक के दो प्रकार की है एक तो जिनकी मैं लिस्ट बना रहा हूं और एक जिनकी मैं लिस्ट नहीं बना रहा हूं जिनकी लिस्ट बनेगी उन्हें कहेंगे अनुसूचित बैंक और जिनकी लिस्ट नहीं बनेगी उन्हें कहेंगे गैर अनुसूचित शेड्यूल और नॉन शेड्यूल थोड़ा टर्मिनोलॉजी को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश कर रहा हूं मैं सर अनुसूचित बैंक किसे कहेंगे आरबीआई के एक्ट में द्वितीय अनुसूची में जिन बैंकों को डाल दिया जाए उन्हें कहते हैं कि वह अनुसूचित बैंक है जैसे हमारे देश में एससी और एसटी किसे कहेंगे तो जिन्हें वो एससी की लिस्ट में डाल दिया जाए जिन्हें एसटी की लिस्ट में डाल दिया जाए वर्तमान में यदि कोई अनुसूचित बैंक में आना चाहता है तो उसकी पहली शर्त होती है कि वो न्यूनतम 500 करोड़ रुपए की पूंजी वाला बैंक होना चाहिए इस बैंक की गतिविधि से ग्राहक पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और वह आरबीआई की मौद्रिक और साख नीति का पालन कर रहा हो तो हम कहेंगे कि उसे आप अनुसूचित बैंक में मान लीजिए आरबीआई उसे अनुसूचित बैंक में शामिल कर देगी तो सर अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं अनुसूचित बैंक उसे कहते हैं जो आरबीआई के उन्नीस के एक्ट में दूसरी अनुसूची में डाली गई है 500 करोड़ की पूंजी इनकी गतिविधि से ग्राहक पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है आरबीआई की मौद्रिक और साख नीति इन पर पूरी लगती है तो सर फिर गैर अनुसूचित बैंक कौन हुआ जो इस द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है जो आरबीआई के द्वारा बनाए गए नियमों में कई नियमों का पालन नहीं करते खास करके सी आर आर कैश रिजर्व रेशो की अनिवार्यता को फॉलो नहीं करते सी आर आर क्या होता है रुकिएगा अभी आरबीआई से दैनिक बैंकिंग गतिविधियों के लिए धन उधार लेने की इन्हें जनरली अनुमति नहीं होती मतलब आरबीआई इनकी इतनी मदद भी नहीं करती है क्योंकि आरबीआई के नियमों का उतना पालन भी नहीं करते हैं आरबीआई के नियमों का उतना पालन भी नहीं करते इसलिए आरबीआई की कई सारी अनिवार्यता इस पर नहीं होती है अनुसूचित बैंक को सीआरआर की रकम को आरबीआई के पास जमा करना जरूरी है जबकि गैर अनुसूचित बैंकों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है गैर अनुसूचित बैंक इस राशि को अपने पास जमा रख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यह हमारे आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर वर्गीकरण डाला हुआ है ध्यान से देखना जरा आरबीआई की वेबसाइट पर बैंकें दो प्रकार की हैं अनुसूचित अनुसूचित और गैर अनुसूचित फिर अनुसूचित बैंकें भी दो प्रकार की है एक है कमर्शियल वाणिज्यिक और एक है सहकारी कोऑपरेटिव सर ये क्या होता है भाई जो लाभ के लिए कमाए जो लाभ के लिए बैंक खोले वो कमर्शियल लाभ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सहकारी है हम आप सब लोग मिलकर एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर देंगे वो सोसाइटी बैंक खोलेगी और उस बैंक को चलाने का काम शुरू कर देगी तो जहां पर लोग सोसाइटी करेंगे जिसमें चुनाव होंगे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होगा सोसाइटी बैंकों का निर्माण करेगी ताकि लोगों का पैसा जमा हो फिर लोगों को ऋण दे सके वो कहलाती है सहकारी बैंक जो कमर्शियल बैंक है लाल लालियो वो पब्लिक सेक्टर के बैंक होंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होंगे और ये अब कितने बज गए केवल बारह फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी कमर्शियल है जैसे कि एच डी एफ सी आई सी आई सी आई ये भारतीय बैंक है कई लोगों को ऐसा लगता है इनकी सर्विस देख करके फॉरेन के होंगे बाईस बैंक है अभी फॉरेन बैंक कौन से हैं फॉरेन बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनका मुख्यालय देश के बाहर किसी और देश में है जिनका मालिक भी कोई विदेशी है और उसकी शाखाएं भारत में है रीजनल रूरल बैंक उन्नीस में बनाए गए थे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बैंकिंग मजबूती देने के लिए कॉपरेटिव बैंक तीन लेवल के होते एक राज्य स्तरीय होता है जो राज्य की राजधानी में मिलेगा एक डिस्ट्रिक्ट वाले को कहते केंद्रीय केंद्रीय शब्द यहां डिस्ट्रिक्ट के लिए उपयोग होता है और इसे कहते हैं प्राइमरी क्रेडिट कमिटी प्राथमिक स्टॉक समिति क्या होता है ये सब समझेंगे आप तो आते ही लाल लालियो बैंक कितने टाइप के बैंक दो टाइप की अनुसूचित और गैर अनुसूचित अनुसूचित फिर कई टाइप की है कमर्शियल है कॉपरेटिव है कमर्शियल कई टाइप की है जिनका मालिकाना हक हाँ सरकार के पास है मतलब उस बैंक में 51 परसेंट शेयर सरकार के पास है तो वो पब्लिक है जिनमें सरकार के शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी वो प्राइवेट हो जाएगा फॉरेन मतलब जिनका मालिक कोई विदेशी होगा मुख्यालय विदेश में होगा और रीजनल रूरल बैंक एक विशेष प्रकार के कमर्शियल बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की मजबूती के लिए लाए गए हैं कॉपरेटिव बैंक भी कमर्शियल सॉरी कोपरेटिव बैंक जो कि सहकारी बैंक हैं वो तीन तरीके के होते हैं राज्य स्तरीय जिला स्तरीय और आ, किसी भी ग्राम के स्तर पर प्राइमरी क्रेडिट कमिटी प्राथमिक साख समितियां उन्हें कहा जाता है जैसे देखना ये पब्लिक सेक्टर के बैंक है हमारे ये पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं ये पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं बारह बज गए अब ये तो क्योंकि बहुत मर्ज हुए हैं ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक है आईसीआईसी बंधन बैंक एक्सिस बैंक एच भारत का सबसे बड़ा बैंक पैसों के मामले में एच डी एफ सी है प्राइवेट में पैसों के मामले में शाखाओं के मामले में आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक में वैसे भारत का सबसे बड़ा बैंक तो एस बी आई है फॉरेन बैंक में सिटी सिटी uh, बैंक है जो अमेरिका का है एच एस बी सी है या स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है जो कि इंग्लैंड uh, का है यह है लाल लालू हमारे बारह बैंक अब जो भारत में बच गए हैं अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र केन्द्रा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूसीओ और यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें सबसे बड़ा बैंक है एस और सेकंड नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक सेकंड नंबर पर है पंजाब नेशनल बैंक ये हमारे पब्लिक सेक्टर के 12 बैंक हैं ये मैंने कहीं से नहीं लिया है आरबीआई की वेबसाइट से हमारी टीम ने कट पेश किया है फिर प्राइवेट सेक्टर के बाईस बैंक है और देखना बाईसवें नंबर पर आपको दिख रहा होगा आईडीबीआई बैंक इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंधन बैंक नया बैंक है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये नए बैंक है जो 2012 में लाइसेंस जारी किए थे उसके बाद ये दो बैंक नए बनाए गए हैं आईडीबीआई 2004 तक पब्लिक सेक्टर का बैंक था लेकिन अब ये प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया गया क्यों क्योंकि इसके कई सारे शेयर जो है वो बेच दिए गए हैं उसी को हम कहते डिस इन्वेस्टमेंट उसी को निजीकरण कह रहे हैं उसी को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं सरकार अब प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो भारत में कुल प्राइवेट सेक्टर के कितने बैंक है लाल लाल 22 बाईस ये लेटेस्ट डाटा है जो मैंने आरबीआई की वेबसाइट से लाया है भारत के तीन सबसे बड़े निजी बैंक एच कब बना था 1994 में एच 1994 में मुख्यालय मुंबई आईसीआईसी बैंक सेकंड नंबर का बैंक है सेकंड नंबर किस मामले में नेटवर्थ के मामले में इसकी पूरी जमा पूंजी इसकी कीमत के मामले में लेकिन ब्रांच के मामले में प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसी होगा ब्रांच मतलब शाखा है और तीसरे नंबर का बैंक है एक्सिस बैंक तो आप देख सकते हैं नाइनटी के जो बैंक बने जिनका मुख्यालय मुंबई में है ये भारत के तीन सबसे बड़े निजी बैंक हैं। भारत में स्थित तीन सबसे बड़े विदेशी बैंक सिटी बैंक सिटी बैंक 1902 में अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी इसकी शाखाएं भारत में सबसे ज्यादा हैं। फिर एच इंडिया है नाइनटीन मुख्यालय या संबंधित देश है हांगकांग और DBS बैंक जो कि 1994 में सिंगापुर इसका मुख्यालय है ये भारत के तीन सबसे बड़े विदेशी बैंक है जो भारत में शाखा के आधार पर सबसे ज्यादा शाखाएं रखते हैं विदेशी बैंकों के रूप में अब आते हैं कॉपरेटिव बैंक देखो कॉपरेटिव बैंक इसलिए क्योंकि इतने बैंक बनने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां लोगों को समय पर ना पैसे जमा करने की सुविधा थी और ना ही लोगों को वहां ऋण मिल पाता था विशेष करके पिछड़े क्षेत्र विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र इस समस्या का समाधान सरकार को सोसाइटी वाले बैंकों में मिला तो सरकार ने सोसाइटी बनाकर बैंकों का निर्माण करने की अनुमति दी तो कॉपरेटिव बैंक का निर्माण हुआ ये लाभ के पर्पज से काम नहीं करते हैं ये लोग मिलकर सोसाइटी को रजिस्टर करके बैंक को चलाते हैं इनका मकसद होता है कि बैंक के माध्यम से हम एक तरीके से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा सके और जितना भी लाभ होगा उससे बैंकिंग पूरी सिस्टम को चलाया जा सके कर्मचारियों की सैलरी निकल सके सारे लोगों को आसानी से इस बैंकों के सारे खर्चे निकाले जा सके इस तरीके के उद्देश्य से काम करता है इसका मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना कृषि का विकास करना कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र का विकास करना और पिछड़े वर्ग का विकास करना ये राज्य स्तरीय होते हैं जिला स्तरीय होते हैं और ये प्राथमिक साख समितियां जिसे प्राइमरी क्रेडिट कमिटी कहते हैं ये ग्राम स्तर पर होते हैं मतलब यदि मैं आपको इसे और थोड़ा बेटर तरीके से बताना चाहूं तो इसके तीन लेवल हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर राज्य स्तर पर ग्रामीण स्तर पर प्राइमरी क्रेडिट कमिटी ये गांवों में सोसाइटी के नाम से प्रचलित है आज भी आपके गांव में भी होगा तो याद करना वहां चुनाव होते होंगे और चुनाव में फिर बैंक में कोई अध्यक्ष बनेगा और बाकी फिर सदस्य चुने जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले को कहते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक और एक होता है राज्य स्तरीय फिर इनको कोई रेगुलेट करता है कि नहीं है? तो मालूम पड़ रहा है कि कोई भी लेकर चला जाए इनको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इनका माई बाप नाबार्ड है और नाबार्ड खुद आरबीआई के अंडर में काम करता है तो पहला माई बाप नाबार्ड है इनका उसके बाद आरबीआई ताकि इनके बीच में भी रेगुलेशन हो सके सहकारी बैंक का आशय उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायियों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं सहकारी बैंक आमतौर पर अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं ऋण देना पैसे जमा करना बैंक खाता सारी सुविधाएं लगभग मिलती है सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं होता है लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना होता है इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋण सुविधाओं को उपलब्ध कराना है साफ का मतलब ऋण उधार अतः संस्थाएं भी वित्तीय समावेशन में सहायक है सर ये वित्तीय समावेशन क्या है एक ऐसा तरीका जिससे हम भारत के लोगों तक फाइनेंस की सर्विसेस को पहुंचा सके वित्तीय सेवाएं जमा करने की सुविधाएं एटीएम की सुविधाएं चेकबुक की सुविधाएं लोन लेने की सुविधाएं जितनी सुविधाएं हम दे सकते हैं ताकि वह फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़कर भारत के वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठा सके इसी को कहते वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन राज्य सहकारी समिति अधिनियम था 1912 का सहकारी समिति अधिनियम बनाया गया उसके द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्टर ऑफ को ऑपरेटिव सोसाइटी के पास इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आप भी खोल सकते हैं इसका रेगुलेशन राज्य सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड की मदद से करती है राज्य सरकार और नाबार्ड की मदद से की जाती है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और बैंकिंग अधिनियम 1965 के तहत भी थोड़े बहुत रेगुलेट होते हैं स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों के द्वारा ही मतलब जो भी इसका निर्माण करने वाले लोग हैं और चुनकर इसका डायरेक्टर बोर्ड बनता है ये कमर्शियल से बहुत अलग तरीके के बैंक हैं जहां पर लोग चुने जाएंगे कमर्शियल बैंक में जो योग्य लोग होते हैं वो इन डायरेक्टर बोर्ड पर आते हैं लेकिन कॉपरेटिव बैंक में योग्यता इंपॉर्टेंट नहीं है वहां चुनाव होगा चुनाव में जो जीतेगा वो कॉपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बनेगा और वही उस कॉपरेटिव बैंक को चलाने के निदेशक मंडल में पूरी तरह से सारे निर्णय लेने की सबसे महत्वपूर्ण इकाई रहेगी ये इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कई जगहों पर बैंकों के माध्यम से भी क्योंकि बैंक लाभ के लिए काम करती हैं जो लाभ के लिए काम करेगी वो पिछड़े क्षेत्र में आएगी नहीं तो पिछड़े क्षेत्र के लिए बैंक एक बेहतरीन विकल्प रहा प्राथमिक क्रेडिट कमिटी स्थापना गांव और कस्बों में होती है किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का इसका काम होता है जिले में स्थित होती है केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक जो कि सभी जितनी भी प्राइमरी क्रेडिट कमिटी थी उनके माध्यम से बनती है मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट के रूप में समझना चाहें तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट कोऑपरेटिव के अंदर में आ जाएंगे पूरे जिले के कोऑपरेटिव बैंक जिन्हें कहेंगे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और इस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर में आ जाएंगे जिले उस गांव जिले के प्राइमरी क्रेडिट कमेटी जितनी भी प्राइमरी क्रेडिट कमेटी प्राथमिक साख समितियां होगी इनके मेंबर मिलकर इसका निर्माण करेंगे और इसके मेंबर मिलकर इसका निर्माण करेंगे लेकिन इसके अलावा भी कई कोऑपरेटिव बैंक और भी होते हैं जिन्हें गैर अनुसूचित बैंक में डाला जाता है कुछ प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक भी होंगे प्राइवेट का मतलब होता है जो इस लेवल को फॉलो नहीं करते बल्कि उनकी अपनी रजिस्ट्रेशन होता है उनकी अपनी सोसाइटी होती है तो वो शहरों में आपको कई जगह पर कोऑपरेटिव बैंक मिलेंगे वो नॉन शेड्यूल में डाले जाते हैं राज्य सहकारी बैंक एक तरीके से सबसे बड़ा संगठन है जो पूरे राज्य में फैले केंद्रीय बैंकों को संगठित करता है तो कमर्शियल बैंक और सहकारी बैंक में अंतर क्या है कमर्शियल बैंक मुख्य रूप से मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण से काम करते हैं जबकि सहकारी बैंक सहयोग के सिद्धांत पर काम करते हैं यही कारण है कि राज्य सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से सस्ता ऋण मिलता है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक इन राज्यों सहकारी बैंक के महत्व को समझता है कि यह उन लोगों तक पैसे पहुंचा रहा है जिसे कमर्शियल बैंक देने को तैयार नहीं है कमर्शियल बैंक का गठन संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम द्वारा किया गया है जबकि सहकारी बैंक की स्थापना हर राज्य की सहकारी समिति से जुड़े हुए कानूनों से होता है तो यह राज्य का विषय बन जाता है केंद्र का विषय सहकारी बैंक में भारत में स्तरीय व्यवस्था है सहकारी बैंक में तीन लेवल होते हैं सेंट्रल मतलब हम कहेंगे राज्य स्तर पर जिला स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर कमर्शियल बैंक में ऐसा कोई वर्गीकरण या स्तरीकरण नहीं होता है प्रत्येक कमर्शियल बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने का अधिकार है जबकि सहकारी बैंक में केवल राज्य सहकारी बैंक को ही आरबीआई से ऋण लेने का अधिकार है बाकी सभी लोग जो केंद्रीय स्तर का सहकारी बैंक होगा वह राज्य स्तरीय से उधार लेगा राज्य स्तरीय आरबीआई से उधार ले सकता है और केंद्रीय वाला प्राइमरी क्रेडिट कमेटी को लोन दे सकता है तो एक तरीके से कमर्शियल बैंक को आरबीआई से ऋण आसानी से मिलता है कॉपरेटिव में केवल राज्य सहकारी कॉपरेटिव को ऋण मिलता है कमर्शियल बैंक पूरे देश के किसी भी जिले राज्य में अपनी शाखा स्थापित कर सकते हैं जबकि कोपरेटिव बैंक केवल सीमित इलाके में अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं जैसे प्राइमरी क्रेडिट कमिटी उस गांव के दायरे में ही आएगी जो जिला की स्तरीय जिला स्तरीय सहकारी बैंक होगा वो केवल जिले तक में काम करेगा और जो राज्य स्तरीय होगा वो पूरे राज्य में ही काम कर पाएगा पूरे देश में नहीं लेकिन जो कमर्शियल बैंक होंगे वो पूरे देश में कमर्शियल बैंक लाभ के लिए काम करते हैं कमर्शियल बैंकों के ऐसे कोई लेवल नहीं होते हैं कमर्शियल बैंक पूरे भारत में कहीं भी शाखाएं खोल सकते हैं कमर्शियल बैंक आरबीआई के नियमों का शब्द स शब पालन करते उन्हें कभी भी ऋण मिल जाता है और जो कमर्शियल बैंक होते हैं हम कहे तो इसमें विशेषज्ञ लोग होते हैं और इस विशेषज्ञ के द्वारा पूरा निदेशक मंडल बनता है सहकारी बैंक में विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी वह मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि सहयोग करने के लिए बनाई गई है लिमिटेड एरिया में काम करेगी इसके तीन लेवल होते हैं इसका मेन मकसद होता है पिछड़े समुदाय का विकास ग्रामीण क्षेत्र का विकास तो कॉपरेटिव बैंक बहुत अलग कल्पना है और कमर्शियल बैंक बहुत अलग कल्पना है कमर्शियल बैंक आपके आसपास जितने हैं आपको मेनली कमर्शियल दिखेंगे लेकिन आपके परिवार में जो किसान से जुड़े परिवार वाले होंगे उनका सोसाइटी से काफी नजदीकी संबंध होगा क्योंकि सोसाइटी वाले जितने भी बैंक होते हैं ये पिछड़े तबके पर ज्यादा गौर करते हैं कोऑपरेटिव बैंक में राज्य सरकारों का कानून चलता है जबकि कमर्शियल बैंक संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसके द्वारा काम करती है तो कमर्शियल बैंक एक तरीके से केंद्र का विषय बन जाता है जबकि कॉपरेटिव बैंक राज्य का विषय बन जाता है लेकिन आरबीआई का कंट्रोल उस पर फिर भी रहेगा क्योंकि आरबीआई तो पूरे बैंकिंग सिस्टम का माई बाप है अगर हम बात करें तो आंशिक रूप से नाबार्ड के द्वारा कंट्रोल होता है पर आरबीआई नाबार्ड आरबीआई जो है उसी के अंडर में नाबार्ड आता है तो नाबार्ड के अंदर में पूरी तरह से कॉपरेटिव परिवार आते हैं तो लाभ के दृष्टिकोण पर आधारित सहयोग के दृष्टिकोण पर आधारित आरबीआई से अपेक्षाकृत महंगा लोन सस्ता लोन मिलता है केवल राज्य स्तर वाले को प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को ऋण लेने का अधिकार है केवल राज्य सहकारी बैंक को भारत में कहीं भी शाखा खोल सकते हैं केवल कुछ ही जगह पर खोल सकते हैं तो ये होते हैं कॉपरेटिव बैंक कॉपरेटिव बैंक एक और कमर्शियल बैंक है भारत में जिसे कहते हैं रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दो अक्टूबर नाइनटीन में इसकी स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी वास्तविक रूप में इसको बनाने का मकसद यह था कि हम ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सके लेकिन 1975 से 1987 12 साल में ही इनका परफॉर्मेंस इतना खराब था कि पैसा जाता था वापिस आता ही नहीं था सरकार समझ गई कि ऐसी बैंक सक्सेसफुल नहीं रहेगी तो अब क्या करते हैं अब कोई रीजनल रूरल बैंक की स्थापना नहीं होती है तो जो बन गए उनका क्या किया आइए देखते हैं क्या किया अगर आपको रीजनल रूरल बैंक बनाना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50 परसेंट मदद करेगी बैंक को खोलने में जैसे मान लो कि रीजनल रूरल बैंक एक जगह खोलना है उस गांव का नाम है रामपुर तो रामपुर में आरआरबी खोलना है भाई तो रामपुर मान लेते यूपी में है जहां शोले की पूरी पिक्चर फिल्म आई गई थी मान के चलते ऐसी कल्पना कर रहे हैं तो इसमें भारत सरकार कहेगी मान लो सौ करोड़ का बैंक बनाना है तो भारत सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पचास करोड़ रुपए देगी उस राज्य में जहां पर यह खोला जा रहा है वहां की सरकार पंद्रह करोड़ देगी और एक प्रायोजित बैंक होगा जिसे कहते हैं प्रमोटर बैंक प्रमोटर बैंक कौन होगा कोई भी पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर का बैंक जो कि शेड्यूल बैंक है अनुसूचित बैंक में है कमर्शियल बैंक होगा वह 35 परसेंट मतलब 35 करोड़ रुपए का अनुदान देगी सर प्रायोजित बैंक ऐसा क्यों करेगी हम आपको आगे बताएंगे कि ऐसा वह क्यों करना चाहेगी उसके पीछे के भी रीजन है कि वह ऐसा क्यों करेगी लेकिन आगे वाले टाइम पर पर आरआरबी के गठन में तीन लोग होते हैं जब से आरआरबी का परफॉर्मेंस बिगड़ा है तो दो दो आरआरबी को जोड़कर एक आरआरबी बना दी गई कई जगह पर और कई सारी जगह पर जो प्रमोटर बैंक था ना उनसे कहा कि अब ये तुम्हारी ब्रांच समझ लो और तुम इसको ब्रांच के रूप में चलाओ कई सारी जगह पर ऐसा करना पड़ा क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था सिक्किम और गोवा में इस तरीके का कोई बैंक नहीं है एनपीए नहीं के कारण एनपीए की समस्या के कारण एनपीए की समस्या के कारण 1987 के बाद कोई नया आरआरबी आरआरबी नहीं बना केलकर समिति ने को बंद करने की सिफारिश भी दे दी थी नाबार्ड के द्वारा रेगुलेट होते है ये और वर्तमान में कितने आरआरबी बच गए हैं ये आरबीआई की वेबसाइट पर मेंशन है 43 आरआरबी बच गए हैं 43 आरआरबी बच गए हैं तो एक बार समरी रखना चाहूंगा मैं लाल लाल इधर ध्यान से सुनिएगा सभी लाल लालियो अब मैं समरी कर रहा हूं हिस्ट्री पर पहले आ जाते हैं हिस्ट्री पर आते हैं वैदिक काल नपत्रा नलेखा सुदखोरी मौर्य काल राजा के कंट्रोल में मुगल उन्होंने दो डीडी और एफडी लाए थे आधुनिक में 1770 1806 1840 1843 सो अठारह सो इक्यासी सौ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक जो प्योर भारतीय था 1921 सौ इंपीरियर बैंक 1934 आरबीआई एक्ट बना 1935 सौ एक अप्रैल से आरबीआई का काम उन्नीस राष्ट्रीयकरण हुआ 1955 एसबीआई का निर्माण हुआ 1969 सौ नाइनटीन बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 एट्टी बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन्नीस सौ पिछहत्तर आर आरबी की स्थापना उन्नीस सौ बयासी हम कहेंगे कि नाबार्ड की स्थापना उन्नीस सौ चौरानवे न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब में जोड़ दिया गया फिर 2017 में एस का सभी जितने भी एस के सहयोगी थे भारतीय महिला बैंक भी जोड़ दिया गया भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पब्लिक में सबसे बड़ा एस बन गया फिर आपने देखा कि विजया देना बड़ौदा विजया देना और बड़ौदा को मर्ज करके बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया फिर वैसे ही पंजाब नेशनल बैंक में तीन बैंकों का मर्ज हुआ सिंडिकेट बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया ऐसे कई बैंकों का मर्ज हुआ फाइनली पब्लिक सेक्टर के 12 बैंक बच गए हैं प्राइवेट सेक्टर के 22 बैंक हैं आई अब प्राइवेट सेक्टर का बैंक माना जाता है क्योंकि उसमें सरकार की शेयर होल्डिंग पचास परसेंट से कम हो गई है फिफ्टी वन परसेंट से कम कह सकता हूं मैं फिर वर्गीकरण पर आते हैं वर्गीकरण में क्या हुआ सर दो तरीके के बैंक है अनुसूचित गैर अनुसूचित अनुसूचित मतलब जो दूसरी अनुसूची में है वह पांच करोड़ की संपत्ति न्यूनतम होगी सरकार आरबीआई की जो नीति है वो पूरी फॉलो करेगा वो ग्राहकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जो नॉन शेड्यूल है वो इसके विपरीत रहेगा फिर जो कमर्शियल जो शेड्यूल बैंक है वो कई टाइप के हैं। वाणिज्यिक बैंक जो लाभ के लिए काम करते हैं दूसरे बैंक में पब्लिक सेक्टर के हैं प्राइवेट सेक्टर के हैं विदेश के भी हैं और रीजनल रूरल बैंक हैं जो अब केवल तिरतालीस बचे हैं कोऑपरेटिव बैंक एक अलग ही टाइप का बैंक है कोऑपरेटिव बैंक का मकसद लाभ कमाना नहीं बल्कि वित्तीय समावेशन को मजबूत करना जहां बैंकिंग सुविधा नहीं वहां बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है ये तीन लेवल के हैं राज्य स्तरीय जिला स्तरीय प्राइमरी क्रेडिट कमिटी अगर हम बात करें तो यह आरबीआई से ऋण को नहीं मिलता है नाबार्ड के अंडर में होती है राज्य स्तरीय कोई आरबीआई से डायरेक्ट ऋण मिलता है लिमिटेड जगह काम करेगी मेन मकसद होता है वित्तीय समावेशन पिछड़े क्षेत्र का विकास करना इन्हीं पर पूरा फोकस रहता है फिर हमने आर को समझ लिया हमने देखा भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक एच है फिर आईसीआईसीआई है फिर हमने देखा कि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर में एस है फिर सेकंड पंजाब नेशनल बैंक है दो नए बैंक के बारे में मैंने बताया कि बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नए बैंक है प्राइवेट सेक्टर के आईडीबीआई पहले पब्लिक सेक्टर का था अब उसे प्राइवेट सेक्टर का बैंक कहते हैं इतनी बातें हमने कवर कर ली मुझे बता दीजिएगा लाल लालियो जरा एक बार कमेंट्स करके क्या सारी बातें समझ में आ चुकी हैं क्या लाल लालियो ठीक है ठीक है अरविंद मैं लेफ्ट साइड से पढ़ाऊंगा मैं लेफ्ट साइड से पढ़ाऊंगा ठीक है मतलब अभी कोई डाउट हो तो अभी डाउट पूछ लीजिए क्योंकि अब हम आरबीआई को पढ़ने जा रहे हैं अब हम शुरुआत करेंगे आरबीआई की अब हम बातचीत करने जा रहे हैं आरबीआई की आरबीआई पूरी तरह से क्लियर है यहां तक टीआरआर एनडीटीआई तीन परसेंट रखते वो सब हम आएंगे अभी आगे आएंगे अब आरबीआई पर आ रहे हैं हम आरबीआई पर आ रहे हैं। जो एग्जिम बैंक होते हैं नाबार्ड होते हैं सिडबी बैंक हैं ये सहयोगी बैंक माने जाते हैं सहयोगी बैंक माने जाते हैं मतलब आरबीआई के द्वारा इन बैंकों का निर्माण विकास कामों के लिए रखा गया है अब आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पिक्चर को याद रखिएगा यह इस आरबीआई का सिंबल है भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर स्थापना इन्होंने अपनी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन 1926 में हिल्टन यंग कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड के नाम से आया था आरबीआई की स्थापना का दृष्टिकोण अंबेडकर ने कमीशन के सामने रखा था अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना 1934 के कानून के माध्यम से हुई कानून बनाकर जब बनाया जाएगा तो वैधानिकता आएगी जैसे कि हमने पॉलिटी में पढ़ा है बिना कानून के बनाओगे तो वैधानिकता नहीं रहेगी कार्यपालिका के कंट्रोल में रहेगा वो आरबीआई का पहले निजी स्वामित्व था 1949 में राष्ट्रीयकरण हो गया पहले गवर्नर थे ओ स्मिथ भारत भारत के स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र पहले गवर्नर सी डी देशमुख वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास अभी मैं जब पढ़ा रहा हूं तब तक आरबीआई का जो प्रारंभिक मुख्यालय कलकत्ता में था 1937 में मुख्यालय मुंबई हुआ वर्तमान में भी मुख्यालय मुंबई में है इसके क्षेत्रीय रीजनल जगह पर कुल 26 जगह ऑफिस भी है मतलब ऐसा मत सोचेगा कि आरबीआई आरबीआई केवल मुंबई में ही है 26 जगह दिल्ली में भी इसके कार्यालय आपको मिलेंगे लगभग 26 जगह पर इसके कार्यालय है यहां ध्यान दीजिएगा लाल लालियो हमारे इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है हमारे इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो एक अप्रैल से लेकर इकतीस मार्च होता है हमारे देश का जो कृषि वर्ष माना जाता है जो कृषि वर्ष माना जाता है वह एक जुलाई से तीस जून होता है पर हमारे आरबीआई का जो खाता वर्ष है खाता वर्ष वो भी एक जुलाई से तीस जून होता है लाल लाल भले हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर एक अप्रैल से शुरू होता हो लेकिन आरबीआई का खाता वर्ष एक जुलाई से स्टार्ट होता है आरबीआई का खाता वर्ष एक जुलाई से स्टार्ट होता है आरबीआई किन-किन कानूनों से तहत काम करती है या कौन से कानून उस आरबीआई को शक्ति प्रदान करते हैं तो आरबीआई एक्ट 1934 का, का कानून जिसके द्वारा आरबीआई बना 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिसके द्वारा आरबीआई को शक्तियां मिली पब्लिक डेप्ट एक्ट सार्वजनिक ऋण कानून जिसके द्वारा आरबीआई के पास शक्तियां हैं भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 इसके द्वारा भी आरबीआई को ताकत मिलती है और विदेशी मुद्रा नियमन पहले फेरा था अब 1998 में ये फेमा हो गया है पहले इसमें दंड के प्रावधान थे अब दंड खत्म कर दिया गया इसलिए इसको फेमा कहते हैं अब वो रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट वाले शब्द में आ जाता है तो इसके द्वारा भी शक्ति प्राप्त होती है आरबीआई को चलाने का काम निदेशक मंडल करता है पूरी आरबीआई का कंट्रोल निदेशक मंडल एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आरबीआई का निदेशक मंडल होता है इसमें दो तरीके के लोग होते हैं भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है ये केंद्रीय निदेशक बोर्ड का कार्यकाल चार साल तक ये बोर्ड के लोग काम करते हैं चार साल का इनका कार्यकाल होता है इस निदेशक मंडल में लाल लालियो सरकारी निदेशक किन्हें कहेंगे एक तो गवर्नर होगा और चार डिप्टी गवर्नर होंगे इन पांच लोगों को सरकारी निदेशक कहा जाता है सरकारी निदेशक पर इसके अलावा भी सोलह लोग और होते हैं जिन्हें गैर सरकारी निदेशक कहते हैं इसमें भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा एक नामित होता है चार स्थानीय बोर्ड चार स्थानीय बोर्ड भारत का दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता यहां पर चार स्थानीय बोर्ड है आरबीआई के वहां से भी एक एक व्यक्ति को बुलाया जाता है वहां से भी एक एक व्यक्ति को बुलाया जाता है दस लोगों को भारत सरकार नॉमिनेट करती है दस लोगों को ये दस लोग कोई राजनीतिज्ञ नहीं होते हैं अर्थशास्त्र के जानकार होते हैं और एक फाइनेंस मिनिस्ट्री से जाता है एक फाइनेंस मिनिस्ट्री से जाता है तो इस तरीके से 16 लोग वहां पर होते हैं ये जो स्थानीय बोर्ड हैं इन चार जगहों पर हैं हर एक स्थानीय बोर्ड में भी वहां पांच मेंबर होते हैं उनमें से एक यहां भेजा जाता है और ये केंद्र सरकार तैयार करती है रीजनल बोर्ड ये चार वर्ष के लिए होता है फिर रिपीट कर रहा हूं मैं पूरे आरबीआई का कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है निदेशक मंडल के पास होता है इसमें एक गवर्नर होता है चार डिप्टी गवर्नर होते हैं इने सरकारी निदेशक कहते गैर सरकारी निदेशक में नाम भले ही गैर सरकारी है बट भारत सरकार इनको भेजती है नाम भले ही गैर सरकारी है लेकिन भारत सरकार भेजती है दस लोगों को केंद्र सरकार भेजेगी एक व्यक्ति को फाइनेंशियल मिनिस्टर भेजते हैं चार रीजनल बोर्ड के होते हैं तो अगर हम सिंपल सी बात कहें तो ये इतने लोगों से मिलकर पूरा बोर्ड बनता है स्थानीय बोर्ड जो कि चार अलग अलग जगह पर है केंद्रीय बोर्ड को सलाह देने के लिए रखा गया है स्थानीय सहकारी घरेलू बैंकों की प्रादेशिक आर्थिक आवश्यकताओं को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हम रिसर्च कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए समय समय पर कई काम केंद्रीय बोर्ड जो कि आरबीआई का है इन स्थानीय बोर्ड को काम देता है भारत का केंद्रीय बैंक है ये केंद्रीय बैंक मतलब रियलिटी में यही बैंकों का बैंक है हर देश का अपना अपना केंद्रीय बैंक होता है हर देश का अपना अपना एपेक्स बैंक होता है जिन्हें केंद्रीय बैंक कहते हैं भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है रियलिटी में सरकारी बैंक यही होगा बाकी तो सार्वजनिक बैंक है ये सरकारी बैंक होगा सभी बैंकों का संचालन करना और पूरी अर्थव्यवस्था भारत में पैसों के फ्लो को कंट्रोल करना मतलब जैसे जो बिचोलिए लोग हैं ना भाई देखो बिचोलिय लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है तो बिचोलीय लोगों को कंट्रोल करने का पूरा जिम्मा बिचोलिए लोगों को नियंत्रित करना रेगुलेट करने की पूरी जिम्मेदारी इसकी है आइए जरा देखना आरबीआई का काम आरबीआई नोट जारी करती है एक्सक्लूसिव काम है ये एक्सक्लूसिव का मतलब इस महोदय के अलावा भारत में कोई भी नोट जारी करे तो वह गैर कानूनी है मौद्रिक नीति बनाएगा ये मौद्रिक नीति क्या होती है एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से आरबीआई भारत के अंदर पैसों की नदी को कंट्रोल करती है सर ये पैसों की नदी जी हाँ भारत में जो पैसा प्रवाहित हो रहा है वो किस गति से होगा जैसे पानी होता है ना लाल लालियो इमेजिन करना पानी होता है तो कुछ जगह पानी की गति तेज होती है कुछ जगह पानी की गति धीमी होती है तो वह डिपेंड करता है स्लोप पर वो डिपेंड करता है कि पानी की मात्रा कितनी है कई जगह पानी ज्यादा हो जाता है कई जगह पानी कम हो जाता है वैसे ही पैसों की भी नदी है देश में हर जगह पर हर संसार के देश में पैसों की भी एक नदी है इमेजिनरी काल्पनिक और उस पैसों की नदी का कंट्रोल इस महोदय के पास है इस पैसों की नदी में पानी की जगह पैसा बहता है पर वो इमेजिनेशन है पूरा काल्पनिक है भौतिक रूप से ऐसी कोई नदी नहीं है हालांकि उसमें पैसा किस गति से बहेगा रोका जाएगा कि बहा जाएगा गति ज्यादा रहेगी पैसा ज्यादा रहेगा कम रहेगा सारा निर्णय ये महोदय लेता है उस काल्पनिक नदी में और उसके लिए वो एक नीति जारी करता है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति कहते हैं पूरे भारत का फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटर माना जाता है पूरा विदेशी मुद्रा जितनी भी भारत में है उसका मैनेजर यही है सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है सरकार मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार सबका बैंकर है ये ये पूरे बैंकों का बैंकर भी है हर बैंक का इसके पास खाता है ये बैंके उसके पास पैसा जमा भी करती है और लेती भी रहती है मुद्रा के लेन देन को कंट्रोल करने की गजब ताकत है इसके पास यह एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है अगस्त में हर साल अगस्त में इसकी एक वार्षिक रिपोर्ट आती है क्या होता है सर उस रिपोर्ट में उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि भारत में पैसों का फ्लो कैसा है कैसा रहेगा वार्षिक रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन और संभावना भारती है भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन और संभावना है अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा वर्ष के दौरान आरबीआई के काम क्या क्या रहे और आगामी वर्ष के लिए का एजेंडा क्या होगा? अगस्त के समय रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आती वार्षिक की केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर से परामर्श कर बैंकों को ऐसे दिशा निर्देश दे सकती है जो जनता के हित में आवश्यक हो इस तरह के किसी भी दिशा निर्देश के बाद इस तरीके के किसी भी दिशा निर्देश के बाद बैंक का, का काम एक केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंप दिया जाएगा यह निदेशक मंडल बैंक के सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है और रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को कर सकता है मतलब अगर कभी कभी आरबीआई को लगता है सरकार को लगता है कि कुछ बैंकों की स्थितियां खराब है या जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं तो वह आरबीआई को उस बैंक को चलाने की जिम्मेदारी भी सौंप सकता है तो आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी जानना है हमें आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति अब जरा यहां ध्यान से सुनेंगे सभी के सभी लोग मौद्रिक नीति पर अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं सर ये मौद्रिक नीति क्या है आइए देखते हैं आरबीआई जो कि एक केंद्रीय बैंक है सरकार के द्वारा बनाया गया एक ऐसा बैंक है जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है तो सभी बैंकों को कंट्रोल करने के लिए समय समय पर कुछ दिशा निर्देशों जारी करता है समय समय पर जारी दिशा निर्देशों को ही हम मौद्रिक नीति कहते हैं इसके नाम में ही छिपा हुआ है मुद्रा की नीति मौद्रिक नीति इसे पूरा नाम अगर हम दे तो मौद्रिक और साख नीति कहा जाता है मोनिट्रियन क्रेडिट पॉलिसी कहा जाता है मौद्रिक नीति को आर्थिक नीति की सहायक मानी जाती है आर्थिक नीति मतलब जो भारत सरकार की होती है यही कारण है कि भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्य आर्थिक नीति से भिन्न नहीं होते बल्कि एक जैसे ही होते भारत में मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई के द्वारा किया जाता है ध्यान से सुनना संचालन बनाया नहीं जाता है बनाने की एक कमेटी बन गई है इसकी मौद्रिक नीति का अधिकारी आरबीआई है पर अब मौद्रिक नीति को एक संस्था एक कमिटी बनाती है जिसमें तीन लोग आरबीआई के होते हैं और तीन लोग भारत सरकार के होते हैं छह लोगों की एक समिति जो मौद्रिक नीति का निर्माण करती है यह 2016 से नया सिस्टम लाया गया तीन लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे और तीन लोग आरबीआई के होंगे ये छह लोग मिलकर मौद्रिक नीति का निर्माण करेगी मौद्रिक नीति का मतलब समझ लीजिएगा कि एक तरीके से पूरे भारत में पैसों के प्रभाव को नियंत्रित करती इसलिए इसको हम कहते हैं शब्द लिक्विडिटी तरलता तरलता को कंट्रोल करने का काम करती है आरबीआई द्वारा नियंत्रित मुद्रा इस विस्तार की नीति का अनुसरण किया जाता है इसके अंतर्गत दो बातें नियत है जब अर्थव्यवस्था में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हो महंगाई बढ़ रही हो तो तरलता को बढ़ने से रोकना उत्पादन को बढ़ाना प्रोत्साहन देने के लिए नियमित साफ का प्रवाह करना जिससे आर्थिक वृद्धि को तीव्र करने में मदद मिल सके ध्यान से सुनना आरबीआई जो काम करती है बहुत ही कठिन काम है कठिन क्यों ध्यान से सुनना मतलब मैं आपको एक ऐसा काम दू कि जहां मैं आपसे कहूं कि विरोधी काम करने हैं और दोनों को करना जरूरी है ध्यान से सुनना जरा मेरी बातों को देखो भाई जब देश में कीमतें बढ़ेगी तब जाकर जो उत्पादक वर्ग हैं वो किसान हो वह इन्वेस्टर्स हो उद्योगपति हो सब उद्योग लगा पाएंगे जब वो उद्योग लगाएंगे तभी रोजगार बढ़ पाएगा तो आरबीआई को ये काम करना है कि उत्पादक उद्योगपतियों को फायदा भी मिले उसे लगे भी कि हां भाई मैं मार्केट में पैसा कमा रहा हूं लेकिन आरबीआई को यह ध्यान रखना है कि कीमतें इतनी ना बढ़ जाए कि उपभोक्ता मध्यम वर्ग को बहुत नुकसान हो जाए एक भयानक कठिन काम है ये कि कीमतों को भी स्थिर करते हुए कीमतों को भी स्थिर बढ़ाते हुए निवेश करने वाले लोगों के मनोबल को बनाए रखना क्योंकि अगर कीमतें ज्यादा बढ़ गई तो जनता दुखी और कीमतें अगर कम हो गई तो निवेशक दुखी दोनों को खुश रखना है दोनों को खुश रखना है जिन लोगों की शादियां हो गई ना मैं उन्हें कहूंगा कि माता जी को भी खुश रखना है और पत्नी जी को भी खुश रखना है भयानक काम है कई लोग अनुभव करते होंगे व्यवहारिक जल्दी समझ में आएगा ना बस आरबीआई कुछ ऐसा ही काम कर रही है भयानक काम क्यों? क्योंकि एक ऐसा संतुलन होना चाहिए, संतुलन बिगड़ा कि अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, इसलिए लाल लाल बहुत ही दयनीय स्थिति होती है ये बहुत ही दयनीय स्थिति तो एक तरफ तो पैसों के फ्लो को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देना है और एक तरफ कीमतों को भी स्थिर रखना है इसके पास साख नियंत्रण साख मतलब भाई मार्केट में पैसों के नियंत्रण को कर पैसों के प्रवाह को नियंत्रित करने के दो तरीके इसके पास है पैसा मतलब मार्केट में जब ऋण जाता है ना तभी पैसा बट्टा है ऐसा हम मानते हैं क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग ऋण के माध्यम से ही सारे काम कर रहे हैं ऐसा हम सोचकर चले तो मार्केट में जो पैसों का फ्लो है वो दो तरीके से कंट्रोल करता है एक तो मात्रा के रूप में कि पूरी की पूरी भारत में जो नदी है पैसों की उसमें हम बाढ़ लेकर आ जाए उसमें सूखा गिरा दे उसकी मात्रा को बढ़ा दे तो एक तो यह है कि पैसों की पूरी मात्रा बढ़ा दे उसे कहते मात्रात्मक मात्रात्मक परिणात्मक अप्रत्यक्ष नियंत्रण दूसरा होता है गुणात्मक गुणात्मक का मतलब होता है भाई जिस जगह पर पैसों के फ्लो की जरूरत है वहां ज्यादा जहां जरूरत कम है वहां फ्लो कम कुछ जगह पर सेलेक्टेड जगह पर पैसों के फ्लो को बनाए रखना कुछ जगह रोक देना उस तरीके को कहते हैं गुणात्मक प्रत्यक्ष साक नियंत्रण थोड़ा मैं फिर समझा दे रहा हूं जो पहली पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे देखो भाई तुम्हारे पास कल्पना करो कि पानी का एक भंडार है और तुम्हें एक रास्ते से उस पानी को जाने देना है ताकि वो भंडार फूट ना जाए तो तुम धीमे धीमे पानी को जाने दोगे हो सकता है धीमे धीमे पानी की रफ्तार और बढ़ने लग जाए तो तुम्हें उसे कंट्रोल करते आना चाहिए जब तुम पूरे पानी की मात्रा को कंट्रोल कर रहे हो तो हम कहेंगे पूरा मात्रात्मक नियंत्रण और अगर तुम उस पानी में कुछ कुछ जगहों पर और रास्ते बनाकर पानी को अलग अलग डायरेक्शन देना चाह रहे हो तो गुणात्मक पूरे देश में पैसों की नदी का कंट्रोल है ये ये शब्द ध्यान से सुन लेना पैसों की नदी का कंट्रोल पैसों की नदी का कंट्रोल ही हम कहेंगे कि यह पूरी तरह से मौद्रिक नीति का उद्देश्य है और दो तरीके हैं मात्रात्मक और गुणात्मक मात्रा का मतलब पूरा एक साथ लमसम में पैसा कंट्रोल करना गुणात्मक मतलब सिलेक्टेड चीजों को कंट्रोल करना क्रेडिट कंट्रोल के दो तरीके हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव देखो क्वांटिटेटिव तरीका क्या करेगा भाई पैसों के पूरे वॉल्यूम को कंट्रोल करता है इट्स कंट्रोल क्रेडिट इनडायरेक्टली यह ऋणों को अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करेगा ऐसा क्यों भाई क्योंकि ये जो तरीके होते हैं ना मेरे लाल लालिओ ये तरीके बैंक पर अप्लाई होते हैं और फिर बैंक ऋण देने की मात्रा को कम ज्यादा करती है ये पूरी तरह से लेंडर आर कंट्रोल नॉट द बोरोवर्स इसमें देने वाले जो लोग हैं मतलब बैंकों को कंट्रोल किया जाता है ऋण लेने वालों को कंट्रोल नहीं करते बैंक जो ऋण दे रही है उसको कंट्रोल किया जाता है इट इज कॉल्ड जनरल क्रेडिट कंट्रोल इसी को सामान्य ऋण नियंत्रक तरीके भी कहते हैं इसी में तरीके होते हैं सीआरआर बैंक रेट रेपो रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन अब हम इसमें पढ़ेंगे तो सर फिर क्वालिटेटिव क्या है गुणात्मक गुणात्मक तरीकों में क्या होगा हम कुछ सेलेक्टेड चीज को जिसका लक्ष्य है वहां पर क्रेडिट वहां पर ऋण को कंट्रोल करेंगे जैसे मान लो कि हमें पता चल रहा है कि लोग बहुत ज्यादा मोबाइल खरीद रहे हैं तो मोबाइल में ऋणों को रोक दिया हमने कहा कि मोबाइल में कोई ऋण नहीं मिलेगा जिनको भी अब मोबाइल खरीदना है वो अपने पैसे कमा कर खरीदे यहां लेंडर्स एंड बोरोवर्स दोनों को प्रभावित करते मतलब जो ऋण देने वाले लोग हैं उन्हें भी कंट्रोल किया जाएगा और जो ऋण लेने वाले लोग हैं जैसे मोबाइल में ऋण देना ही नहीं है तो अब आप जो ऋण लेने जाओगे आपको ऋण मिलेगा ही नहीं तो आप भी प्रभावित हो गए गुणात्मक तरीके में ऋण देने वाले बांटने वाले और ऋण मांगने वाले दोनों को कंट्रोल किया जाता है जबकि क्वांटिटेटिव में केवल बांटने वालों को कंट्रोल करते हैं इसे चयनात्मक साख नियंत्रण कहते हैं क्योंकि भाई चयन कर करके हम कंट्रोल करते हैं सारी बातों को इसमें कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है मतलब कई तरीके हैं जिसके माध्यम से डायरेक्ट कहीं एक्शन लिया जाता है क्रेडिट को कहा जाता है कि किसानों को ऋण लेने आओगे तो ऋण दे देना पर किसी और को ऋण कार खरीदने के लिए बाइक खरीदने के लिए मत देना एजुकेशनल लोन में इतना रेट रखना है कार लोन में इतना रेट रखना ये सब डिफ्रेंशिएट करने का काम क्वालिटेटिव का होता है अब हम बातचीत करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव तरीके में आरबीआई क्या क्या तरीके अपनाती है जिससे बाजार में पैसों का फ्लो कंट्रोल होता है जिससे बाजार में पैसों का फ्लो कंट्रोल होता है सबसे पहले तो हमने जाना आरबीआई के बारे में इसके निदेशक मंडल के बारे में इसके काम के बारे में नोट जारी करने से लेकर मौद्रिक नीति तक फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ये जो मौद्रिक नीति होती है इस मौद्रिक नीति के द्वारा पूरे देश में पैसों के फ्लो को कंट्रोल करते है दो तरीके से मात्रात्मक रूप से गुणात्मक रूप से मात्रात्मक बड़ा फेमस है मात्रात्मक जो तरीका होता है लाल लालियो उसमें कई तरीके हैं जिनके माध्यम से पैसों को कंट्रोल किया जाता है कैश रिजर्व रेशो स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसे कहते हैं सी आर आर एस एल आर एम एस एफ बी आर 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 ट्रिपल आर और ओ एम ओ इसे कई नामों से जाना जाता है उसे मात्रात्मक तरीकों में है आइए सबसे पहले देखते हैं कैश रिजर्व रेशो ब्रेकेट में तीन का मतलब है वर्तमान में कैश रिजर्वेशो तीन परसेंट ही रहा है वर्तमान में कैश रिजर्वेशो तीन परसेंट रहा है ध्यान से सुनिएगा लाल लाल यू हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात <coughs> जो भी कमर्शियल बैंक है उनके पास जितना पैसा डिपॉजिट होता है पैसा दो तरीके से बैंक में डिपॉजिट होता है एक तो होता है टाइम लाइबिलिटी के रूप में और एक होता है डिमांड लाइबिलिटी के रूप में टाइम लायबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो एक निश्चित अवधि के बाद लौटाने के रूप में जमा किया जाता है जिसमें एफडी आती है जिसमें रिकरेंट डिपोजिट आता है एफडी मतलब एक मुश्त पैसा जमा करना रिकरेंट डिपोजिट मतलब हर मंथली जमा करना दूसरा होता है डिमांड लायबिलिटी, दूसरा होता है लाल लालयो डिमांड लायबिलिटी जिसे कभी भी पैसा मांगा जा सकता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कासा के तहत इन दोनों को एक साथ कहते हैं डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी तो जितना भी पैसा जमा होगा एफ के थ्रू आर के थ्रू सी के थ्रू एस के थ्रू जितना भी पैसा जमा होगा किसी बैंक में उसका तीन प्रतिशत नगद नगद आरबीआई में जमा करना पड़ेगा बिना किसी ब्याज के बिना किसी ब्याज के मैंने आपको कहा था कि वास्तविक रूप में यह मैंने आपको कहा था कि बिना किसी ब्याज के ये बिल्कुल हफ्ता जैसा काम है भाई जैसे आप लोगों ने हिंदी बॉलीवुड में सुना होगा हफ्ता वसूली हिंदी बॉलीवुड में हफ्ता वसूली जैसा काम आप लोगों ने सुना होगा जहां पर हफ्ता वसूलने की बात आती है जहां पर हफ्ता वसूलने की बात आती है कि एक डॉन आता है और वो कहता है कि यहां काम करना है तो मुझे हफ्ता देना पड़ेगा बस हफ्ता है मेरे लाल लालियो जो बैंकों को आरबीआई को देना होता है और वो तीन परसेंट मिनिमम जमा करना पड़ता है बिज पर कोई ब्याज नहीं मिलता है यह एक तरीके के सिक्योरिटी है कि आप हमारे मार्केट में काम कर सकते हो तो क्या लाल लालियो ये शब्द सभी को समझ में आ गया है सी आर आर का मतलब क्या होगा सी आर आर का सिंपल सा मतलब रहेगा सी आर आर का सिंपल सा मतलब रहेगा कि नगद रूप में आरबीआई के पास टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट का तीन परसेंट नगद रूप में जमा करना इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है दूसरा है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो या लिक्विड रेशो सॉरी एस एल आर एस एल आर की हम बातचीत करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब अगर हम आपसे कहें लाल लाल इसका सिंपल सा मतलब अगर हम आपसे कहें स्टेट्यूटरी लिक्विड रेशो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे एस हिंदी में कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात भाई वैधानिक तरलता तरलता का मतलब बैंक के पास किसी भी समय इतना पैसा होना चाहिए बैंक के पास बैंक के पास जितना भी टाइम डिपोजिट डिमांड डिपोजिट वाला पैसा आया था उसका 18 परसेंट बैंक को अपने पास रखना चाहिए वो नगद रूप में भी रख सकता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद कर भी रख सकता है वो सोने के रूप में भी रख सकता है पर इतना उसे अपने पास रखना होगा इस पैसे को वह कभी भी मार्केट में ऋण देने के लिए उपयोग नहीं कर सकता है ऐसा क्यों क्योंकि वैधानिक रूप में कभी भी किसी बैंक में डिपॉजिटर जो थे वो पैसा मांगने आए तो एक तरीके से लिक्विडिटी पर्याप्त रूप में बैंक में रहनी चाहिए पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए नहीं तो जमा करने वालों का भरोसा कम हो सकता है कोई भी इसे नगद रूप में नहीं रखता है क्यों नहीं रखता सर क्योंकि दो हजार रुपए का नोट बीस रुपए का अंडा नहीं देता नोट नोट को पैदा नहीं करता जब तक कि उसको निवेश ना किया जाए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सोने के रूप में इसको रखा जाता है क्योंकि सोना भविष्य में महंगा बिकेगा तो लाभ होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाता है क्योंकि जिन लोगों ने पैसा जमा किया है तुम्हें कोई ब्याज मिले ना मिले लेकिन बैंक को यह तो पैसा ब्याज के साथ सामने वाले व्यक्ति जिसने जमा किया था उसे तो लौटाना पड़ेगा तो बैंक वाले अपनी कमाई को करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड के रूप में मेनली रखती है पर वो किसी भी रूप में रखे उसे इतना रखना अनिवार्य अपने पास सी आर आर के पास जमा होगा ये अपने पास रखा जाएगा एस एल आर सी आर आर नगद रूप में रहेगा ये आपके पास ऑप्शन है सी आर आर पर कोई ब्याज नहीं मिलता एस एल आर पर ब्याज मिल सकता है क्योंकि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है मुनाफा भी मिल सकता है सी आर आर एक तरीके से काम करने की अनुमति देता है तो एस एल आर एक तरीके से विश्वास की बात करता है कि हाँ इतना तो नकदी होना चाहिए फिर तीसरा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये क्या है भाई ये 2011 में एमएसएफ के नाम से लाया गया 2011 में बहुत इमरजेंसी में किसी बैंक को पैसों की जरूरत पड़ जाए बहुत 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 इमरजेंसी में केवल 24 घंटे के लिए ऐसा होता है पूरे मार्केट में ऐसा होता है कि 24 घंटे के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है मेरे लाल लालियों तो ये जो एस के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटी ली थी इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के एवज में आरबीआई के पास आप दौड़ते हुए चले जाओ और कहो माई बाप मुझे ऋण दे दो मुझे जरूरत पड़ी है तो जो आरबीआई ब्याज मांगेगी ब्याज मांगेगी वह ब्याज मांगा जाएगा वह ब्याज मांगा जाएगा एम एस एफ वो ब्याज मांगा जाता है एम एफ एम एस एफ के रूप में अगर हम बात करें तो ये जो एम एस एफ होता है लाल लालयू इसकी रेट चार दशमलव दो पांच परसेंट है वर्तमान में वास्तविक रूप में अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूं तो यहां पर जब आरबीआई के पास ऋण लेने जाओगे तो आरबीआई कहेगी कि कोई सिक्योरिटी है किस बेस पर तुम्हें ऋण दे दू इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो जमा की जाएगी वो इसकी करने की यहां अनुमति है मिनिमम करोड़ का तो ऋण मांगना पड़ेगा बहुत इमरजेंसी में और वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ऋण की यहां पर पूर्ति की जाती है 2011 से एमएसएफ की सुविधा प्रारंभ की गई है फिर है बैंक रेट बैंक रेट आरबीआई के पास कोई भी बैंक दीर्घकालिक ऋणों के लिए जाती है दीर्घकालिक ऋण क्यों चाहिए किसी बैंक को क्योंकि हो सकता है कोई बैंक अपनी शाखाओं को और बढ़ाना चाहती हो हो सकता है कोई बैंक विदेशों में शाखाएं खोलना चाहती हो हो सकता है बैंक अपनी सुविधाओं को मजबूत करना चाहती हो, हो सकता है बैंक एटीएम की संख्या बढ़ाना चाहती हो तो उसको पैसों की जरूरत पड़ती है उसके पास भी पैसों की कमी हो सकती है तो वो आरबीआई के पास जब दीर्घकालिक ऋणों के लिए जाएगी तो आरबीआई उसे ऋण देगा और आरबीआई को वह जो ब्याज चुकाएगा उसे कहते हैं बैंक रेट जो कि चार दशमलव दो पांच प्रतिशत वर्तमान में है इतना कम इसलिए रखा गया है क्योंकि वर्तमान में कोरोना महामारी में हम चाहते हैं कि बैंकों को जरूरत पड़े तो वह बेझिझक मांगने आ जाए फिर होता है रेपो रेट ये है चार परसेंट वर्तमान में सर ये रेपो रेट क्या होता है जैसे एमएसएफ बहुत ही इमरजेंसी के लिए है वैसे नॉर्मल इमरजेंसियां होती बहुत का मतलब नॉर्मल मतलब नॉर्मली कई बार पैसों की जरूरत पड़ती है दीर्घकालीन के लिए बैंक रेट है इमरजेंसी के लिए एम एस एफ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है एम एस एफ है नॉर्मल है, है कि मान लीजिए शॉर्ट टाइम के लिए अल्पकाल के लिए पैसों की जरूरत है अल्पकाल के लिए तो आरबीआई के पास कोई भी बैंक ऋण लेने के लिए आएगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एवज में ऋण लेकर जाएगा लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है मेरे लाल लालियों ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो स्टेट्यूटरी वाली नहीं चलेगी उसके अलावा एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर आपके पास हो तो ही आप ऋण लेने आ सकते हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एवज में ऋण लेकर जाएगी आरबीआई से और आरबीआई जब इनको ऋण देगी तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक को ब्याज चुकाना पड़ेगा जो ब्याज चुकाया जाता है वो रेपो रेट है देखना इसका मान कम है क्योंकि वो इमरजेंसी वाला नहीं है भाई इमरजेंसी की जरूरत कैसे पड़ गई आरबीआई ये सोचती है और इसलिए इमरजेंसी वालों से इंटरेस्ट ज्यादा लेती है और नॉर्मल वालों से इंटरेस्ट कम लेती है क्योंकि इमरजेंसी इतनी पड़ गई कि आपको एस की जो भी एस की जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी उनको रखना पड़ गया उनको आपको एक तरीके से रखना पड़ गया पैसों की प्राप्ति के लिए तो आरबीआई से जब आप ऋण लेते हैं तीन महीनों तक के लिए मान के चलिए तो उससे जो ब्याज चुकाना पड़ता है बैंकों को आरबीआई को जो ब्याज चुकाना पड़ता है कोई भी बैंक आरबीआई को जो ब्याज चुकाएगा उसे रेपो रेट कहते हैं रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होगा तो कभी कभी जो कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे एस बी आई इसके पास पैसों का सरप्लस आ गया पर इसको अभी ऋण कोई किसी को दे ही नहीं रहा है गरीब आदमी तो यह पैसा जो जमा है उसको तो ब्याज देना पड़ेगा अब इसके पास कोई ऋण लेने आया ही नहीं तो ये माई बाप के पास जाएगा आरबीआई से कहेगा कि कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो तो शॉर्ट टाइम के लिए मुझे दे दो मैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना चाहता हूं और मेरा पैसा आप रख लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिल जाएगी इसको थोड़ा बहुत ब्याज कम मिलेगा लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही तो आरबीआई इसको ब्याज देगा आरबीआई ब्याज देगा तो आरबीआई जो ब्याज देगा पैसे जमा करने के एवज में उसे रिवर्स रेपोरेट कहते हैं जैसे हम लोग जब पैसे जमा करते हैं तो हमें सेविंग अकाउंट पर ब्याज मिलता है जब हम ऋण लेने के लिए जाते हैं तो हमें ब्याज चुकाना पड़ता है ऋण का इंटरेस्ट कहते हैं हम उसको फिर उस समय कि भाई ये मेरे ऋण पर लगने वाला इंटरेस्ट है तो वैसे ही रेपो रेट मतलब लोन लेने का ब्याज है और रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करें तो वह एक तरीके से हम कहेंगे कि एक तरीके से पैसा डिपोजिट का ये चार परसेंट नहीं देखना जरा इसका डाटा मेरे हिसाब से लगभग थ्री पॉइंट सेवन फाइव के आसपास होगा इसे एक बार चेक कर लेना थ्री पॉइंट थ्री फाइव कह रहे लाल थ्री पॉइंट थ्री फाइव इसको सुधार दीजिएगा इसको सुधार दीजिएगा कम होगा ये क्योंकि जमा करने पर पैसा कम मिलता है फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है कभी कभी आरबीआई को लगता है कि पूरे मार्केट में पैसा की कमी है या पूरे मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है तो फिर पूरा का पूरा आरबीआई क्या कर सकता है दुकान खोल देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की दुकान मतलब एक नोटिस जारी कर देगा एक विज्ञप्ति जारी कर देगा अखबार में कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहे हैं किसी को खरीदना हो तो आवेदन कर सकते कई सारे बैंक आवेदन कर देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक कागज होता है जिस पर प्रॉमिस होता है कि मैं पैसा लौटाऊंगा इतने ब्याज पर कई सारे बैंक आवेदन करते हैं तो वो आवेदन करने वाले बैंकों से पैसा आरबीआई ले लेगी ले और गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगी दे तो भाई बस कागज ही तो दे दिया इस कागज को अब क्या बैंक के लोन के रूप में दे पाएगी नहीं तो ये कागज ले देकर पूरा पैसा खींच लिया मार्केट से तो इसे कहते हैं कि भाई पूरे मार्केट से पैसे को सोख लिया बाजार में भारत देश में जो नदी है इमेजिनरी नदी है पैसों की वो सूख गई अब मान लो कि सूख गई तो सूखा अकाल पड़ गया एक तरीके से पैसा ही नहीं है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है लेकिन पैसा ही नहीं है तो फिर आरबीआई फिर दुकान लगाएगी और कहेगी कि अपनी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो जो लौटाना चाहते हैं जिनकी मेच्योर हो चुकी हैं जिनको पैसे चाहिए मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने के लिए तैयार हूं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूं तो कई सारे फिर बैंक के खड़ी हो जाएगी कि ठीक है ये आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेच्योर हो गई है इसका पैसा लौटा दो मुझे आरबीआई पैसा दे देगी पैसा बैंकों के पास पहुंचेगा बैंकों से मार्केट में पहुंचेगा पैसों का फ्लो बढ़ जाएगा पैसों का फ्लो बढ़ जाएगा लाल लाल यू ध्यान से सुनना ये जितनी भी घटनाएं मैंने आपको बताई ट्रिपल आर डबल आर बी आर एसएलआर, आर आर एस एल आर एम एस एफ इनमें से किसी के भी रेट अगर बढ़ाए जाए किसी के भी रेट अगर बढ़ाए जाए तो वो इमेजनरी नदी जिसमें पैसा बह रहा है कम हो जाता है पैसा जब भी इनको बढ़ाया जाता है तो इसे कहते हैं कठोर मॉनेटरी पॉलिसी कठोर मौद्रिक नीति और कठोर मौद्रिक नीति महंगाई को नियंत्रित कर लेती है महंगाई को कंट्रोल कर देती है और इसलिए इसको कठोर कहते हैं क्योंकि आप सब रेट बढ़ा रहे हैं देखो भाई तब रेट अगर बढ़ेंगे मान लो कि रेपो रेट बढ़ गया तो रेपो रेट बढ़ने का मतलब क्या हुआ अब पैसा आरबीआई ज़्यादा महंगे लोन पर बैंकों को देगी तो बैंक भी महंगे लोन पर जनता को देगी जनता को ब्याज ज्यादा लगा महंगा ब्याज पर लोन देगी जनता को ब्याज लगा ज्यादा तो जनता ब्याज नहीं लेगी लोन नहीं लेगी जैसे भाई पहले मान लो कि आप मकान खरीदना चाहते थे और इंटरेस्ट रेट था सात परसेंट अचानक आपने आवेदन किया और इंटरेस्ट हो गया साढ़े नौ परसेंट आप क्या कहेंगे ठीक है छह महीने बाद मकान लेंगे जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो आप में से कई लोग फिर खरीदारी कम करते हैं खरीदारी कम करेंगे तो डिमांड कम होगी डिमांड कम होगी तो कीमतें भी कम हो जाती है इनमें से कोई भी चीज बढ़ा दो कोई भी चीज बढ़ा दो तो उसे कठोर मौद्रिक नीति कहेंगे और उसके कारण बाजार में पैसों का फ्लो कम हो जाता है उसके कारण महंगाई कंट्रोल हो जाती है वर्तमान में हमारे देश में महंगाई उत्पादन की कमी के कारण है पैसों के कारण नहीं है और इसी कारण से आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को सॉफ्ट कर रही है सॉफ्ट मतलब चीजों को बढ़ाने की जगह कम कर रही है ताकि इसी बहाने देश में पैसों का फ्लो बढ़े देश में पैसों का फ्लो बढ़ेगा तो सस्ता ब्याज मिलेगा सस्ता ब्याज मिलेगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि उत्पादक को लाभ मिलेगा ज्यादा कीमतें होती चली जाएगी तो एक जो कोरोना काल में रौनक कम हो गई है वो रौनक आ जाएगी ये सारी चीजें ही कठोर मौद्रिक नीति की आती है फिर सेलेक्टिव जो होता है जिसे हम सेलेक्टिव तरीका कहते हैं पैसों को कंट्रोल करने का कि भाई क्रेडिट कार्ड रेशनिंग कर लीजिए रेशनिंग मतलब कृषि क्षेत्र में ऋण की अनुमति दे दीजिए कार खरीदने के लिए अनुमति मत दीजिए एजुकेशन के लिए ऋण की अनुमति दीजिए एसी खरीदने के लिए ऋण की अनुमति मत दीजिए तो इसे कहते हैं रेशनिंग मतलब भाई सोच समझ कर ऋण दीजिए डायरेक्ट एक्शन किसी पर्टिकुलर सेक्टर को पूरी तरह से कह दिया कि अब यहां पर कोई ऋण नहीं जाएगा मोरल सोजन मतलब होता है एक तरीके से नैतिकता बताना कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा सही लोगों को ऋण दीजिए बैंकों को निजा दिशा निर्देश जारी करना फिर कई बार पब्लिसिटी भी करती है आरबीआई कि आप ज्यादा से ज्यादा उन जगहों पर ऋण का उपयोग करिए जहां से आपको कमाई मिल पाएगी कई प्रकार के अन्य प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं जैसे चयनित साख नियंत्रण जब देश का केंद्रीय बैंक यह के महसूस करता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक समान साख नियंत्रण नीति को अपनाना उचित नहीं होगा बल्कि कुछ क्षेत्रों में उदार साख नीति और अन्य क्षेत्र में कठोर साख नीति उपयुक्त होगी तो ऐसी अलग अलग साख नीति जब अलग अलग क्षेत्र में लगाई जाती है तो उसे सलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं विभिन्न कटौती दरें इस विधि के अंतर्गत देश का केंद्रीय बैंक भिन्न भिन्न प्रकार के विनिमय विपत्रों के लिए विभिन्न अलग अलग कटौती दर निर्धारित करता है मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो अलग अलग उद्देश्यों से लाई जाती है और इसमें डिस्काउंट अलग अलग जारी किया जाता है जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट कामों के लिए लाएंगे मतलब जो भी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा उन्हें ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा और जो अन्य प्रकार के कार्यों के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी वहां डिस्काउंट कम कर दिया जाएगा उदाहरण के लिए यदि कृषि क्षेत्र को विकास के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रोत्साहन देना है तो कृषि के जो ऋण पत्र सरकार के होंगे उन पर डिस्काउंट आपको ज्यादा बेटर मिल जाएगा कंसेशन इन कैश फंड जैसे पहले क्या होता था भाई इन का मतलब जीरो डाउन पेमेंट पर मोबाइल ले जाओ जीरो डाउन पेमेंट पर कार ले जाओ जीरो डाउन पेमेंट पर आप बाइक ले जाओ पर आरबीआई को लगा कि नहीं ये इससे तो महंगाई बढ़ रही है तो आप कहेंगे कि बीस परसेंट डाउन पेमेंट चाहिए तीस परसेंट डाउन पेमेंट चाहिए पहले जीरो परसेंट डाउन पेमेंट में गरीब से गरीब आदमी जिसके जेब में एक रुपया नहीं वो भी मोबाइल खरीदने चला गया पर अब 20 परसेंट तीस परसेंट डाउन पेमेंट होगा तो जेब में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट होगा तब तो आप मोबाइल खरीदने जाओगे तो इसलिए फिर डाउन पेमेंट को कम कर दिया जाता है बढ़ा दिया जाता है ताकि कंट्रोल किया जा सके ऋण देने से पहले कुछ जगह पर अनुमति लेना अनिवार्य कर देती आरबीआई कि तुम्हारे पास अगर इस सेक्टर के लिए कोई ऋण लेने आए तो पहले मुझसे अनुमति लेना नहीं तो ऋण देना मत कुछ जगहों पर प्रतिबंध लगा देते हैं जैसे उदाहरण के लिए देश में खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को आदेश देता है कि वो अनाज हेतु व्यापारियों को ऋण ना न जैसे मान लो कि अनाजों की कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है तो ऋण पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि जो भी कोल्ड स्टोरेज के लिए ऋण मांगने कोई आएगा तो ऋण देना मत क्योंकि कोल्ड स्टोरेज के कारण हो सकता है कीमतें अनाज की ओर बढ़ जाए फिर कंट्रोल करना कंज्यूमर क्रेडिट को जो भी मूल्यवान वस्तुएं खरीदी जाएगी वहां पर ऋण आसानी से देना कई देशों में मोटर कार टेलीविजन मोटरसाइकिल फ्रिज इत्यादि टिकाऊ उधार या के आधार पर दी जाती हैं उसे कंट्रोल करना भी और कुछ जगह पर आयात जैसे मान लो कि की कीमतें बढ़ रही है क्योंकि विदे, विदेशों से सामान ज्यादा जब आ रहा है साख नियंत्रण का यह उपाय देश में आयात को कम करने या हतोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जाता है इस उपाय के अंतर्गत आयातकर्ता को आयात लाइसेंस देते समय ही आयात मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत केंद्र के पास जमा किया जाता है क्योंकि जब आयात ज्यादा होगा तो भारत का पैसा विदेशों में ज्यादा जाएगा भारत का जो विदेश का संग्रह है विदेशी पैसे का जो डिपोजिट है क्योंकि वो जो लोग उधार हम हमें पैसा हमें सामान बेच रहे हैं वो तो पैसा डॉलर में मांगेंगे तो हम कई बार अपने डॉलर को विदेशी मुद्रा भंडार को बेटर करने के लिए ऐसी क्रेडिट पॉलिसी भी अपनाते हैं और कुछ जगह पर मार्जिनल कोस्टेज को बढ़ा दिया जाता है मौद्रिक नीति की बस एक प्रॉब्लम है मौद्रिक नीति में डाटा सही होने चाहिए अगर डाटा गलत सामने आ गए तो आपका एक्शन भी गलत हो जाता है मौद्रिक नीति महंगाई को तो कंट्रोल कर लेती लेकिन मंदी पर उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी की बजट की राजकोषीय नीति जैसे आत्मनिर्भर पैकेज जितना इफेक्टिव काम करेगा उतना आरबीआई का कोई पैकेज काम नहीं कर पाता है जनरली अर्थशास्त्रियों ने देखा है मंदी के समय मौद्रिक नीति का प्रभावी न होना सही जानकारी न होने पर उल्टा प्रभाव आ जाना मौद्रिक नीति का कई बार पूर्ण रूप से महंगाई पर भी उतना इफेक्ट नहीं होता है अगर राजकोषीय नीति काम ना करे उसके साथ तो फिर ये कुछ भी नहीं कर सकती है और ब्याज दरों में बार बार बदलाव होने से भी मार्केट में एक असमंजस्य बन जाता है केवल मौद्रिक नीति कारगर नहीं होती है आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि राजकोषीय नीति होनी चाहिए उसके साथ मौद्रिक नीति होगी केवल मौद्रिक नीति से कुछ नहीं होने वाला है हार्ड मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब सभी की रेट बढ़ाई जा रही है बाजार में तरलता को कम किया जा रहा है मुद्रा स्पीति को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्ट मॉनिट्री पॉलिसी का मतलब ब्याज दरें सभी चीजों को कम किया जा रहा है बाजार में तरलता को बढ़ाई जा रही है मॉनिट्री पॉलिसी कमिटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 27 जून 2016 से एक अधिनियम बनाया गया जिसके द्वारा ये पूरा का पूरा जो मॉनेटरी पॉलिसी में ये जितने इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े हैं इसका निर्माण अब मौद्रिक नीति समिति करती है छह सदस्य होते हैं इसमें तीन सदस्य आरबीआई के होते हैं तीन सदस्य भारत सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं इसका गवर्नर इसका जो अध्यक्ष होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है और डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी के तौर पर काम करता है इसका मेन मकसद होता है कि भारत में मूल्य स्थिरता को भी बनाए रखना है और इसके लिए इसने टारगेट किया है कि भारत का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वह चार प्लस माइनस दो का महंगाई लेवल बनाए रखने के लिए प्रयास करेगा मतलब हमारे देश में महंगाई दो से छह प्रतिशत तक ही रहेगी ताकि निवेशक का मनोबल ना कम हो और कंज्यूमर को ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े नुकसान ना झेलना पड़े फिर एक शब्द आता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब होता है जैसे मैंने आपसे कहा था कि आरआरबी में एक प्रमोटर बैंक होता है प्रमोटर बैंक क्यों प्रमोट करेगा क्योंकि हमारे देश में आरबीआई ने हरेक बैंकों को कमर्शियल बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की एक शर्त रखी है कि भाई प्राथमिक क्षेत्र देता प्राथमिक क्षेत्र देता का मतलब हमारे देश में कुछ ऐसे कमजोर सेक्टर हैं जहां ऋण कोई नहीं देना चाहता है लेकिन आरबीआई ने कहा है कि यदि तुम्हें देश में काम करना है तो इस क्षेत्र को ऋण देना ही पड़ेगा कितना ऋण देने की बातचीत आती है लाल लालियों तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हमारे देश में शर्त है जितने भी कमर्शियल बैंक है जितने भी फॉरेन बैंक है जिनकी बीस से अधिक शाखाएं हैं उन्हें अपने ऋण का टोटल ऋण का 40 प्रतिशत इसी क्षेत्र में देना अनिवार्य है अगर उन्होंने इस क्षेत्र में नहीं दिया तो उनका पैसा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में चला जाएगा मान लीजिए मेरी बात ध्यान से सुनना मान लीजिए कि एस को अपने टोटल ऋण का 40 परसेंट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना था लेकिन यह एस ने बदमाशी करते हुए केवल 35 प्रतिशत ही दिया पांच प्रतिशत ऋण है वो आर नामक एक फंड में चला जाएगा और ये आर नाबार्ड के कंट्रोल में रहने वाला एक फंड है और इस फंड को रेगुलेट करते हुए नाबार्ड उस पैसों को ग्रामीण विकास के लिए उपयोग करेगा हाँ उसका जो ब्याज है उसका जो मुद्दल है वो इस बैंक को लौटाई जाएगी लेकिन तब जब वह नाबार्ड के पास आ जाएगा इसलिए जनरली कोई भी बैंक उस शर्त को पालन करना कंपलसरी मानती है और इसलिए आरआरबी में प्रमोटर बनना चाहती है पर अब आरआरबी की स्थापना नहीं होती है तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितनी है भारत में 40 परसेंट है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक के लिए डोमेस्टिक मतलब हमारे देश के पब्लिक और प्राइवेट फॉरेन बैंक जिनकी बीस से ज्यादा शाखा है उन्हें भी जिनकी बीस से कम शाखाएं है उन्हें भी चालीस परसेंट ही करना है लाल लालियों लेकिन उनका बस फायदा यह है कि उन्हें किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कितना करना है ऐसी कोई कंडीशन नहीं है पर बाकी लोगों को एग्रीकल्चर में इस 40 का 18 परसेंट एग्रीकल्चर में देना अनिवार्य है जो सूक्ष्म उद्योगपति होंगे माइक्रो इंटरप्राइजेस होंगी उन्हें साढ़े सात परसेंट और जो समाज के कमजोर वर्ग है महिला एस सी पिछड़ा वर्ग उन्हें बारह परसेंट ऋण देना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पैसा चला जाएगा आर में पर लाल लालियो ये डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक के लिए है आर के लिए ये आज भी सेवेंटी होता है आरआरबी के लिए 75 परसेंट होता है 75 परसेंट होता है और एक नए बैंक है नए बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक इनके लिए भी ये 75 परसेंट रखा गया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जिसमें एग्रीकल्चर में अठारह परसेंट साढ़े सात परसेंट इनको और वीकर सेक्शन को पंद्रह परसेंट है रीजनल रूरल बैंक के लिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ये कुछ डाटा आपके पास याद रखना है फिर बैंकों के राष्ट्रीयकरण क्यों करने पड़े क्योंकि बैंकिंग सुविधाएं उस दौर में केवल अमीर लोगों तक ही थी मध्यम वर्ग को भी बैंकिंग सुविधाएं उस दौर में नहीं मिलती थी तो मध्यम वर्ग को बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए वित्तीय समावेशन कराने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों को मजबूती देने के लिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कोई जाने को तैयार नहीं था जब राष्ट्रीयकरण होगा तो सरकारी बैंक है, जाएंगे ही बेरोजगारी अशिक्षा गरीबी जैसे कार्यों के लिए सरकार को फंड चाहिए था देश का आर्थिक विकास करना था और बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना था राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य राष्ट्रीयकरण का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ बैंकों की शाखाएं बढ़ी बैंकों की पूंजी भी बढ़ी क्योंकि लोगों का विश्वास बढ़ने लगा जब सरकार का वो बैंक बन गया सरकार के पास भी बैंक पैसों की बढ़ोतरी हुई मध्यम वर्ग बैंक से जुड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ लेकिन निगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ गए बैंकों के कामकाज पर बहुत बुरा असर पड़ा भ्रष्टाचार बढ़ने लगा एनपीए की समस्या तो इतनी बड़ी एनपीए मतलब पैसा गया लेकिन वापिस नहीं हो पाया और कर्मचारियों में भी भ्रष्टाचार कई तरीके से देखा गया ये कर्मचारी अपने आप को सरकारी कर्मचारी समझने के कारण अब सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे इसका खामियाजा भारत को अपने बैंकिंग सिस्टम का कमजोर होना दिखाई दिया कमजोर होना दिखाई दिया तो लाल लालियो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे की बातचीत नेक्स्ट क्लास में हम इसका बचा हुआ पोर्शन कर देंगे सभी को बेस्ट ऑफ लक बाय आज मैं वो जो वादा आप लोगों से किया था पॉलिटी वाला इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं शिफ्टिंग कर रहा था एक दो दिनों में थोड़ा सा शिफ्टिंग प्रॉपर हो जाए फिर मैं आप लोगों के लिए वो सारी बातें कवर कर दूंगा जो बच गई हैं, बाकी रिवीजन करते चलिएगा प्रैक्टिस करते चलिएगा और 31 मार्च तक का मौका जो है उसको फायदा उठा लीजिए 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में 16 महीने वाला सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप एक प्रॉपर तरीके से तैयारी के लिए चाहते हैं और सक्षम है तो